हाय गाइस, हाउ यू ऑल? यू ऑल मस्ट बी फाइन, और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज से क्या, आज ही मतलब अभी वाली क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंड एस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। हाँ जी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स इंड एस 24। सो ये स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है, और इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ ये बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो इसका एएस वर्जन कौन सा था? एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। अब क्या आप पूछोगे सर एएस 18 और इंड एस 24 में कुछ फर्क है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल फर्क है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही सेम है, सेम नहीं है, बहुत अंतर है, मतलब अंतर है उसमें, डिफरेंसेस है, ठीक है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंड एस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। ये स्टैंडर्ड को लास्ट में करवाने का रीजन ये है, लास्ट में मतलब बाद बहुत सारी क्लासेस के बाद में करवाने का रीजन ये है। आपको पता पड़ गया होगा कि हमारा मैक्सिमम कोर्स लगभग लगभग कंप्लीशन पे चल रहा है, बट ये चीज हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं, स्पेशली दिस स्टैंडर्ड, वी आर कवरिंग दिस स्टैंडर्ड। क्यों लास्ट में कर रहे हैं? क्योंकि इस स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हमें रिकॉल करनी पड़ेगी, लाइक कंट्रोल की डेफिनेशन, पेरेंट सब्सिडी, तो चलो ठीक है, बेसिक चीज है, वो तो बच्चे बच्चे को पता है, आईपीसीसी के बच्चे को भी पता होता है कि पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी। बट व्हेन वी फाउंड कि यार कंट्रोल की बात की गई है, तो हमें रिकॉल होगा यार कंट्रोल, अच्छा इंड एस 110 की कंट्रोल की डेफिनेशन जो बहुत ही खतरनाक टाइप की है, जो हमने कंसोलिडेशन में पढ़ी थी, जो कि बहुत ज्यादा अलग है कंपनीज एक्ट के कंट्रोल की डेफिनेशन से और एएस से, तो याद आता है। फिर लगता है यार दूसरा एसोसिएट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो भी रिकॉल होता है, हाँ हमने इंड एस 28 में पढ़ा था, एएस 23 में भी पढ़ा था। फिर याद आता है कि ज्वाइंट वेंचर्स, वेंचरर्स, ज्वाइंट वेंचर्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि इंड एस 111 याद होगा आपको, ज्वाइंट अरेंजमेंट्स। तो बहुत सारी चीजें ना रिकॉल करनी पड़ सकती हैं, स्पेशली कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ रिलेटेड चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। अब अगर ये स्टैंडर्ड में पहले पढ़ा देता, ठीक है ना, तो आपको हो सकता है उस टाइम पे ये स्टैंडर्ड में कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और ज्वाइंट वेंचर मुझे स्किप करवाना होता। मैं हो सकता है मैं उस टाइम पे बोलता कि यार इसको फिलहाल रट लो, बाद में देखेंगे मैं जब आपको कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा, बट यार ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको पहले कंसोलिडेशन वगैरह सब चीजें करवा दी है। तो क्या होगा ना कि आप अपन जल्दी जल्दी कम्युनिकेट कर सकेंगे, मैं जब कंट्रोल पे आऊंगा तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि हाँ यार कंट्रोल मतलब क्या, उस टाइम पे हमने देखा था कि कंट्रोल मतलब क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या। हाँ ऑब्वियसली हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, बट उतना लेवल में चर्चा नहीं करेंगे जितना लेवल पे हमने चर्चा कंसोलिडेशन के टाइम पे, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट के टाइम पे की हुई थी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है सर। अच्छा दूसरी बात, इस स्टैंडर्ड के जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पूरे नोट्स इंस्टीट्यूट से ही प्रिपेयर किए हैं, मतलब ये मान लीजिए कि लगभग लगभग 95% चीजें इंस्टीट्यूट का ही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सर क्यों आप कॉपी पेस्ट किया हुआ पढ़ा रहे हो? ऑब्वियसली हाँ उसमें कोई बुरी बात नहीं है बेटा, मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं। उसका कारण बेटा यह है कि इंस्टीट्यूट ने इस इंड एस को इतना अच्छे से डिजाइन किया है अपने नोट्स में कि उनके नोट्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स में उनके नोट्स अच्छे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स में उनके नोट्स अच्छे नहीं हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कुछ पीछे के जो यूनिट्स थे जो हमने कवर अप किए, जैसे यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 5, वो ठीक ठाक नहीं लगे, बाकी मैक्सिमम टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से कवर किए हैं, चार्ट्स का उपयोग किया है। तो बेटा मैंने कोशिश की कि मैंने इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल को टच करूं और इंस्टीट्यूट के ही इलस्ट्रेशंस वगैरह टच करें। ऑल दो बीच बीच में आपको लगेगा कि हम अपने कुछ कुछ और एग्जाम्पल्स की बीच बीच में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं अपने अलग अलग के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा ही दूंगा जो इंस्टीट्यूट के बुक्स में नहीं भी होंगे। सो ये नोट्स मैंने इंस्टीट्यूट के उससे ही बनाए हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला वीडियो मैं पूरा का पूरा YouTube पे भी डालने वाला हूं, तो YouTube पे अगर मेरा कोई स्टूडेंट देख रहा होगा या कोई भी अगर व्यक्ति देखेगा तो वो पहले समझ ले कि नोट्स पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के ही हैं, तो सामने वो अगर इंस्टीट्यूट का नोट्स लेके बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं पढ़ाने तो वाला हूं नोट्स में से ही। एनीवेज चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है ना। बेटा एक बात बताओ, इंड एस किस पे एप्लीकेबल है? सर इंड एस एप्लीकेबल है फेस 1 और फेस 2 करके अपन ने कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ
एक मोटा मोटा अगर बात करें तो इंडेक्स एप्लीकेबल है सारी लिस्टेड कंपनीज पे, और इंडेक्स एप्लीकेबल है उन अनलिस्टेड कंपनीज पे जिनकी नेटवर्थ मिनिमम 250 करोड़ या उससे ऊपर हो। हाँ सर, इसका मतलब हम छोटी मोटी कंपनीज की, छोटी मोटी एंटिटीज की तो बात ही नहीं कर रहे। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स, एलएलपी तो आती नहीं है लिस्ट में। इसका मतलब यार हम जब इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, एक लेवल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपको ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड पढ़ाने का कारण ये है, ये स्टैंडर्ड को जनरेट बनाने का कारण ये है कि क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब होती हैं तो उन बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जिस इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगाया है तो वो इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी की एक्टिविटी कैसे चल रही है, कंपनी में काम कैसे चल रहा है, कंपनी में मेरा पैसा किस तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है, क्या गलत जगह तो नहीं लाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बैंकर्स, अगर ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कंपनीज, हर प्रकार की बड़ी कंपनी बैंक से फाइनेंस जनरेट करती है तो बैंकर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि यार हमारा पैसा किस तरीके से यूज हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कंपनी की एक्टिविटीज कैसे चल रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा लेके फिर कहीं और रूट किया जा रहा है। तो बैंकर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, बैंकर्स इंटरेस्टेड होते हैं, उसके बाद मेंबर्स इंटरेस्टेड होते हैं, उसके बाद इंप्लॉइज तक भी इंटरेस्टेड व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है एक एंटिटी के साथ या गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है बड़े लेवल पर, मान लीजिए एमपी गवर्नमेंट में एमपी गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया लगभग ये मान लीजिए 7,000 करोड़ का। अब वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, 7,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ये तो देखेगी ना यार हम किस व्यक्ति को, किस कंपनी को ये काम दे रहे हैं, और जिसको भी हम काम दे रहे हैं उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है वो देखना पसंद करेगी। तो यहां पर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड हो गई। तो क्या होता है जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या कोई भी कंपनी होती है, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो, चाहे वो इंडिया में आती हो, चाहे एएस में होती हो, सारी कंपनीज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जिनको ये पता होना जरूरी है कि कंपनीज की एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, क्या है अगर किसी रिलेटेड पार्टी के कारण, मैंने अभी आपको समझाया नहीं है कि रिलेटेड पार्टी क्या है, रिलेटेड पार्टी कौन है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझदार लोग हो, आपने रिलेटेड पार्टी कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है, आपने रिलेटेड पार्टी इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है, आपने रिलेटेड पार्टी हो सकता है एएस का पढ़ा हुआ है, नहीं भी हो सकता है। तो रिलेटेड पार्टी मैं आऊंगा, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में तो मैं डेफिनेटली आऊंगा ही आऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ इतना बात करना चाह रहा हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि व्हाई ऑल दीज पीपल्स आर सो मच इंटरेस्टेड, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर टाइम, दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन देयर कंपनीज, इन सच कंपनीज। अलॉन्ग विद दैट दे डोंट वॉन्ट कि उनका पैसा गलत तरीके से यूज हो, उनका पैसा गलत तरीके से यूज हो, दे डोंट वॉन्ट। और अगर मान लो किसी रिलेटेड पार्टी का इंफ्लुएंस किया जाए किसी ट्रांजेक्शन पे, किसी रिलेटेड पार्टी का इंफ्लुएंस किया जाए किसी ट्रांजेक्शन पे, तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉब्लम होगा, कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर होल्डर्स को यह मालूम पड़ जाए, शेयर होल्डर्स में जिसने पैसा, जिन्होंने पैसा लगाया है मेरी कंपनी में, और उनको मालूम पड़ जाए कि मैं जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं मेरी कंपनी के उसमें से 20% ट्रांजेक्शन मैं अपने रिलेटेड पार्टी से करता हूं, तो वो जानना चाहेंगे कि जय चावला जिसकी जो कंपनी चला रहा है वो जब ट्रांजैक्शन कर रहा है टोटल ट्रांजैक्शंस का 20% ट्रांजैक्शन अगर वो अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहा है तो यार ये देखना जरूरी होगा कि वो ट्रांजैक्शंस ट्रू एंड फेयर वैल्यूज पर है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइजेस पर है कि नहीं, क्योंकि अगर आर्म्स लेंथ प्राइजेस पर नहीं हुए हैं, हुए हैं तो भी दिखाओ, नहीं हुए हैं तो इससे कंपनी के एक्टिविटीज पर, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, पोजीशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब जय चावला कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा गलत जगह यूज कर रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा ठीक तरीके से यूज नहीं कर रहा है, मतलब जय की कंपनी ठीक तरीके से यूज नहीं कर रही है पैसा।
मेरी बात समझ आ रही हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बेटा? अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूं कि डी फॉर्चून क्लासेस लिमिटेड, हमारी कंपनी वैसे है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा वैसे प्राइवेट लिमिटेड होगा, पर डी फॉर्चून क्लासेस लिमिटेड, अब उसमें मान लीजिए कि मैं शेयर होल्डर हूं और ऐसे ही कुछ कुछ अलग अलग शेयर होल्डर है, मैंने अपने दोस्तों को भी शेयर होल्डर बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डी फॉर्चून क्लासेस लिमिटेड में मैंने अपने कुछ कुछ दोस्तों को भी शेयर होल्डर बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है 40%, ठीक है, और 25% शेयर मैंने अपनी वाइफ को दिए हुए, ये कितने हो गए 65%। अब इसके अलावा बाकी जो 35% पोर्शन है ना, वो अलग 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 लोगों में बटे हुए हैं, किसी के पास 5%, किसी के पास 7%, किसी के पास मतलब सबका 10% के अंदर अंदर है, पर उन लोगों ने भी पैसा लगाया है। अब मान लो कल को मुझे कॉल आ जाए और मेरी वाइफ के मतलब मेरे ससुराल से कॉल आ जाए, ठीक है ना, मेरे ससुराल से कॉल आ जाए और मुझे बोला जाए कि ना बेटा वो ना जो तुम्हारी क्लासेस चल रही है ना, वो तुम्हारी जो क्लासेस चल रही हैं वो ना हमें चाहिए, फ्री में चाहिए। मैं मना नहीं कर पाऊंगा, हालांकि सामने वाला फ्री नहीं बोलेगा, बट वो बोलेगा क्लासेस चाहिए तो मैं उतने में ही क्लासेस दे दूंगा अपनी। अब कल को अगर वो सामने वाला मेरे कोई रिश्तेदार को, अगर रिश्तेदारों से अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं और वो ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं और रिश्तेदारी के चक्कर में मैं प्राइजेस नहीं ले रहा हूं या मैं आर्म्स लेंथ प्राइजेस में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इससे किसको इफेक्ट पड़ रहा है? इससे कंपनी को इफेक्ट पड़ रहा है, कंपनी को इफेक्ट पड़ रहा है, तो इससे मैं भी शेयर होल्डर हूं, इफेक्ट तो मुझे भी पड़ना चाहिए। बट यहां पर जो बाहर के शेयर होल्डर्स हैं, दे पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि भाई किस तरीके से ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, और ट्रांजेक्शंस अगर आर्म्स लेंथ प्राइस में हो भी रहे तो भी दे आर इंटरेस्टेड कि भाई बता तो दो, डिस्क्लोजर तो दे दो कि आपकी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं और आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शंस किए हैं। तो बेटा जब कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करेंगे, जो कि मुझसे ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि आजकल तो कंपनीज एक्ट 2013 भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करता है, और उसके अलावा जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें इंड एज 24 के अकॉर्डिंग बाकायदा एक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है डिस्क्लोजर में कि ये रिलेटेड पार्टीज हमारी हैं और ड्यूरिंग द ईयर हमारे ट्रांजेक्शन इन रिलेटेड पार्टीज के साथ इतनी इतनी वैल्यू पर, इतनी इतनी क्वांटिटी पर किए गए, ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। वो अलग बात है कि हो सकता है शायद कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज ना किए जाते हों, बट डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है। ये स्टैंडर्ड यही बोलता है, ये स्टैंडर्ड क्या क्या समझाता है, ये बोलता है सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन होते हैं, रिलेटेड पार्टी कौन कौन होते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स कौन कौन होते हैं। एक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टीज कौन कौन होंगे, एक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टी कौन कौन होगी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो एंटिटी इंड एज बेस्ड कंपनी है, जिस एंटिटी को इंड एज 24 अप्लाई करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, चाहे वो उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, एक रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिसको इंड एज 24 अप्लाई करना है, उस रिपोर्टिंग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टैंडर्ड में समझाया गया है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स कौन कौन से माने जाएंगे। दूसरा क्या बताया गया कि ऐसे कौन कौन से डिस्क्लोजर से जो जरूरी हैं उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के साथ जो किए गए होंगे। तो यहां पर मोटा मोटा दो बातें हमें समझाई गई हैं, सबसे पहले रिलेशनशिप्स, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, और दूसरा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के साथ में ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज, ट्रांजेक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी विद द रिलेटेड पार्टीज। चलिए अब थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं नोट्स में से, ठीक है ना। मैंने जैसा आपको बोला कि जो नोट्स हैं वो मैक्सिमम नोट्स कवर किए गए हैं इंस्टीट्यूट के ही मॉड्यूल से, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल से, ठीक है। चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाइल डूइंग बिजनेस इट इज वेरी कॉमन दैट देयर मे बी सम ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज ऑफ द एंटिटी और ट्रांजेक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टीज। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत कॉमन चीज है कि हमारे रिपोर्टिंग एंटिटी कुछ ट्रांजेक्शन करती है अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ। गाइस मैंने रिलेटेड पार्टी अभी नहीं समझाया, बट थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में आ गया होगा कि जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स के परिवार वाले, स्पाउस वगैरह, चिल्ड्रंस वगैरह, इसके अलावा कंपनी के सब्सिडरीज, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब कौन होते हैं? रिलेटेड पार्टीज होते हैं। बट मैं अभी डेफिनेशन पे आऊंगा, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ये कॉमन है कि एक रिपोर्टिंग एंटिटी किसी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन करती रहती है, होता है, कॉमन है। इवन ये भी हो सकता है कि हाँ, एक रिपोर्टिंग एंटिटी किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन इन्फ्लुएंस्ड है बिकॉज ऑफ सम रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व्ड। जैसे वो इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे
मैंने अपना पेन ड्राइव क्लास किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेचा, किसी मेरे रिलेटेड पार्टी के कहने पर, मेरे किसी रिलेटेड पार्टी के कहने पर मैंने अनरिलेटेड पार्टी को बेचा। और ऑब्वियसली वो जो मैंने पेन ड्राइव बेचा है, वो पेन ड्राइव मैंने ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज डिस्काउंट पे बेचा। ऐसा डिस्काउंट मैं किसी को नहीं देता हूं, मतलब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे बेच दिया। मैंने उसको 75% का डिस्काउंट पे बेच दिया, मैंने पेन ड्राइव अपना, मतलब मैंने 25% ही चार्ज किया। किसको? किसी अनरिलेटेड स्टूडेंट को, क्योंकि वो जो अनरिलेटेड स्टूडेंट है उसको बेचने के लिए मुझे किसी मेरे रिलेटेड पार्टी का हाथ है इसके पीछे, कि उन्होंने मुझे बोला कि इनको दे दो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो ऐसा भी होता है कई ट्रांजेक्शन्स जो कि अनरिलेटेड पार्टी के साथ किए जाएं, बट वो ट्रांजेक्शन्स में हो सकता है कुछ इन्फ्लुएंस किया गया है रिलेटेड पार्टी के द्वारा। तो ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड पार्टीज विच आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज नॉर्मल फीचर ऑफ द बिजनेस एंड कॉमर्स टू हैव रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। एंटिटीज फ्रीक्वेंटली कैरी ऑन देयर बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स। ऑब्वियसली ये होता रहता है कि हमारी एक्टिविटीज सब्सिडरी के साथ, ज्वाइंट वेंचर्स के साथ, एसोसिएट कंपनीज के साथ कैरी आउट होती रहती है। हो सकता है पेरेंट एंटिटी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका रॉ मटेरियल हो सकता है अपनी सब्सिडरी कंपनी से खरीदती हो सकता है अपनी एसोसिएट कंपनी से खरीदती हो। माइट बी, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना। या हो सकता है कि पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को बोले, अपनी एक सब्सिडरी को बोले कि तुम परचेज करोगे रॉ मटेरियल मेरी दूसरी सब्सिडरी से, फेलो सब्सिडरी जिसको बोलते हैं, फेलो। एक सेकंड में आपको पहले समझा दूं कि फेलो सब्सिडरी क्या होती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है और बी लिमिटेड उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है और सी लिमिटेड भी उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो बी एंड सी आपस में मानी जाएंगी फेलो सब्सिडरीज, ठीक है। फेलो सब्सिडरीज, कॉमन कंट्रोल एंटिटीज, ये एंटिटीज के ऊपर एक कॉमन कंट्रोल किया जा रहा है ए के द्वारा। जैसे सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है ना, भाई बहन, दो भाई दो बहन, भाई बहन ऐसे, तो ये पापा है और इनके दो बच्चे हैं, ये मान लो, तो दीज आर फेलो सब्सिडरीज। तो हो सकता है ए लिमिटेड अपनी एक सब्सिडरी को बोले कि तुम रॉ मटेरियल परचेज करोगे मेरी दूसरी सब्सिडरी के साथ, हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। द एंटिटी हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी एंड इज एंड एज इट हैज कंट्रोल ओवर इट। ऑब्वियसली जब एक पेरेंट कंपनी का कंट्रोल होता है सब्सिडरी के ऊपर, तो वो सब्सिडरी के फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग पॉलिसी को आराम से अफेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को जानना जरूरी है, अदर शेयर होल्डर्स को, पेरेंट भी एक शेयर होल्डर है, अदर शेयर होल्डर्स को जानना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि पेरेंट के कंट्रोल के कारण उसकी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी में इतना कंट्रोल करने के कारण सब्सिडरी की पॉलिसीज इतनी अफेक्ट हो रही है कि हमारा पैसा जो हमने अपने सब्सिडरी में, हमने इस कंपनी में लगाया, वो खतरे में है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स मे हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन के ऊपर उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है रिलेटेड पार्टी रिलेशन ट्रांजेक्शंस के कारण। एक अच्छा सा चार्ट दिया था इंस्टीट्यूट में, क्या बोला गया था, बोला मॉड्यूल में दिया हुआ था, वैसे ही मैंने वो पूरा कॉपी किया। द इफेक्ट गेट्स मैनिफेस्टेड थ्रू क्या क्या हो सकता है। पहला, द ट्रांजेक्शंस दैट आर इंटर्ड बिटवीन रिलेटेड पार्टीज मे नॉट बी इंटर्ड विद अनरिलेटेड पार्टीज। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस हो जो आप कभी किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ तो इंटर कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूज डिस्काउंट दिया, मान लो मैंने अपने कजिन को पेन ड्राइव क्लास सेल कर दिया। अब यार कजिन को थोड़ी मना कर सकता हूं, ठीक है ना, उसको तो मैंने फ्री में दे दिया, भाई घर का आदमी है, मैंने अपने कजिन को पेन ड्राइव क्लास सेल कर दिया, अब वो तो घर का आदमी है यार, उससे थोड़ी पैसे लूंगा, ठीक है ना, वो पैसे देगा भी तो भी शायद मैं ना लूं, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात क्या है कि ये ट्रांजेक्शन मैंने कजिन के साथ किया क्योंकि वो मेरा रिलेटेड पार्टी है, पर यही ट्रांजेक्शन मैं किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकता, किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ नहीं कर सकता। तो ट्रांजेक्शन दैट आर इंटर्ड बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज मे नॉट बी इंटर्ड विद द अनरिलेटेड पार्टीज। एग्जांपल क्या है, एन एंटिटी मे सेल गुड्स टू इट्स पेरेंट एट कॉस्ट, इट मे नॉट सेल गुड्स एट कॉस्ट टू अनरिलेटेड पार्टीज, ठीक है। दूसरा, ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड पार्टीज गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। जैसा मैंने आपको बोला कि एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ मैंने ट्रांजेक्शन किया, बट such transaction is influenced because of my relationship with someone.
ठीक है। तो एग्जाम्पल, एस लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूज टू परचेज द बिलेट्स फ्रॉम यू आर लिमिटेड। एस लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो एक बाहरी किसी यू आर लिमिटेड से परचेजिंग करती रहती है। अब एच लिमिटेड जो है मतलब होल्डिंग कंपनी जो है उसने किसी दूसरी कंपनी के 100% स्टेक खरीद लिया एफ एस लिमिटेड का। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है और अब एक एफ एस लिमिटेड है, ठीक है। तो ये आपस में फेलो सब्सिडरीज हो गई। एस लिमिटेड किसी बाहर की यू आर लिमिटेड से कुछ गुड्स परचेस करता है। अब जो यू आर है वो है अनरिलेटेड। अब हो सकता है एच लिमिटेड एस को इंस्ट्रक्शन दे दे कि नहीं नहीं तुम तो वही चीज परचेस करो एफ एस लिमिटेड से। अब मैं क्या बताऊं, इस पे सबसे बेस्ट एग्जांपल बनता है जिसपे आजकल लफड़े चल रहे हैं, राफेल डील। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, राफेल डील। बस आप समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी पोगो देखें। चलो एनीवेज, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। आगे क्या लिखा है, देयरफॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी, यूजर्स में आ गया इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्ट पार्टी को क्या चाहिए, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी शुड हैव द नॉलेज। उनको पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कौन कौन से है। भैया पहले बताओ तुम्हारा कौन कौन रिलेशनशिप है इस कंपनी से, किसका किसका रिलेशनशिप है। दूसरा, एंटिटीज ट्रांजेक्शन कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं किए। अच्छा किए हैं तो क्या कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी लेना देना कुछ बाकी है क्या। अच्छा कोई कमिटमेंट्स की क्या। अच्छा विथ द रिलेटेड पार्टीज एज इट मे अफेक्ट द यूजर्स असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी एंड द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली अगर रिलेटेड पार्टीज की रिलेशनशिप के बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में इंटरेस्टेड पार्टीज को मालूम पड़ेगा तो इंटरेस्टेड पार्टीज अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन ले सकती है सोच समझ के। अदरवाइज अगर उनको पता ही नहीं रहेगा कि कंपनी में इंटरनली क्या चल रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, तो माइट बी यूजर्स के डिसीजन अफेक्ट करें और डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटीज ऑफ एन एंटिटी कंटेन नेसेसरी डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के बारे में बताना है कि आपके रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं। दूसरा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी आपको बताना है, ठीक है। तीसरा, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस उनके साथ कितने कितने हैं ये बताना है, और आपके उनके साथ कोई कमिटमेंट तो नहीं है, नया ऑर्डर लेना और कुछ कमिटमेंट तो नहीं है ये बताना है। मतलब इस स्टैंडर्ड में हमें चार चीजें बतानी है, मैंने आपको दो बताई तो दो में बाकी वो दो तो आ ही जाएंगी। क्या रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं वो आपको डिस्क्लोज करना है, रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शंस कौन से हुए हैं वो आपको बताना है, और उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है क्या लेना देना, और कोई कमिटमेंट्स अभी ड्यूज है क्या, ये सब। अच्छा मैंने आपको यह बता दिया था कि डिस्क्लोजर्स कहां कहां लगते हैं, ये इंडेस 24 चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंसोलिडेट बना रहे हो चाहे आप सेपरेट बना रहे हो वहां लगेंगे, ठीक है। और कंसोलिडेट बना रहे हो तो फिर उसमें सारे ग्रुप मेंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है ओके। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस विद अदर एंटिटीज इन अ ग्रुप आर डिस्क्लोज्ड इन एनी एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउएवर इंट्रा ग्रुप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आर एलिमिनेटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ऑब्वियसली हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं, हम एंड में क्या करते हैं कंसोलिडेशन के टाइम पे हम जो इंट्रा ग्रुप आइटम्स होते हैं कॉन्ट्रा हम उसको हटा देते हैं, ठीक है ना, हटा देते हैं क्योंकि वो वैसे अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि अगर सब्सिडी अपना सेपरेट बनाएगी तो वो बताएगी कि मैंने होल्डिंग के साथ क्या ट्रांजेक्शन किया है या मैंने किसी दूसरी रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन किया है जिसमें होल्डिंग का अफेक्ट था, वो तो बताएगी। बट अगर होल्डिंग के साथ किया गया ट्रांजेक्शन को कंसोलिडेट किया जाए तो होल्डिंग भी बताएगी और सब्सिडी भी बताएगी, तो वो ट्रांजेक्शन अपने आप कॉन्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सेप्शन इफ द अबाउट इंट्रा ग्रुप रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल देन नॉट एलिमिनेटेड। अब ये बोला गया है कि अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस तो एलिमिनेट हो जाते हैं तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनका वैल्यूएशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल किया गया है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो उनको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, आपको वो ट्रांजैक्शंस को भी डिस्क्लोज अलग से करना पड़ेगा, भले वो डेबिट क्रेडिट में इंट्रा ग्रुप में एलिमिनेट हो चुके हों बट आपको डिस्क्लोज उसको करना पड़ेगा अलग से,
ठीक है बेटा, चलो ये एक पिक्चर था छोटा सा कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट, और डेफिनेशन पार्ट को हम क्विकली जल्दी जल्दी करते जाएंगे, जो जो चीजें हमने ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ी हुई है किसी ना किसी स्टैंडर्ड में, हमारी बैच में हमने जिस स्टैंडर्ड में हमने पहले से अगर किसी स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है तो हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। पहला, द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर रिलेवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड। पहला आर रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी कौन होती है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टी दो टाइप की हो सकती है, एक तो पर्सन मतलब इंडिविजुअल मतलब जो जिंदा आदमी, ठीक है ना, आदमी औरत मतलब एक ही बात है, ठीक है। सो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए, ठीक है ना, किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए जिसके ऊपर NDAs लग रहा है, ठीक है ना, किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टी दो टाइप की हो सकती है, पहला एक इंडिविजुअल पर्सन या पर्संस, दूसरा एक कोई दूसरी एंटिटी, अदर एनी अदर एंटिटी, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब किसी एक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए रिलेटेड पार्टीज दो टाइप से बताई गई है। हम दो हिस्सों में उसको पढ़ेंगे, रिलेशनशिप विद द पर्संस, दूसरा रिलेशनशिप विद द अदर एंटिटीज, ठीक है। तो अ रिलेटेड पार्टी इज अ पर्सन और एंटिटी दैट इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन, जो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स करेगी, स्टैंडर्ड इज इन दिस स्टैंडर्ड इज एन एंटिटी दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन, पर्सन किसी भी पर्सन का, जैसे मान लीजिए डी फॉर्चून क्लासेस लिमिटेड का 40% शेयर्स मेरे पास है, मैं उसका डायरेक्टर भी हूं, मैं उसका सीईओ हूं, तो मैं बन गया रिलेटेड पार्टी, आगे पढ़ेंगे अपन, मैं बन गया रिलेटेड पार्टी। तो क्या सिर्फ मैं अकेला रिलेटेड पार्टी हूं डी फॉर्चून क्लासेस का, कि मेरे साथ मेरे फैमिली के मेंबर्स भी रिलेटेड पार्टी हैं? हाँ जी, मेरे फैमिली के मेंबर्स भी होंगे। सर मेरे फैमिली के मेंबर्स को कौन से मेंबर्स को जोड़ा जाएगा? सर इनकम टैक्स वाला रिलेशनशिप देखा जाएगा क्या? नहीं, यहां रिलेशनशिप इंडेस 24 ने ही क्रिएट किया है, और थोड़ा सा खतरनाक क्रिएट किया है, मतलब बड़ा नहीं है बहुत, इनकम टैक्स की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत बड़ा नहीं है, बट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें डाली है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है, क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन, डी फॉर्चून क्लासेस लिमिटेड, जय चावला होल्डिंग 40% शेयर इन डी फॉर्चून क्लासेस और होल्डिंग 51% शेयर इन डी फॉर्चून क्लासेस। सो लेट अस अज्यूम व्हाट, अज्यूम क्या, जय चावला इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ डी फॉर्चून लिमिटेड, ओके। सो नाउ जय चावला इज अ पर्सन, इज अ नेचुरल पर्सन, तो जय चावला के क्लोज मेंबर्स कौन कौन होंगे जो डी फॉर्चून लिमिटेड के रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, कौन कौन होंगे पहले से ही अंदाजा डालते हैं। क्लोज मेंबर्स में कौन कौन आएगा, स्पाउस सबसे पहले आता है नाम, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ होता ही है, तो स्पाउस आएगा सबसे पहले, तो बच्चे भी आएंगे, ठीक है, बच्चे भी आएंगे, फादर मदर भी आएंगे, ठीक है ना, हो सकता है डिपेंडेंट अगर ब्रदर सिस्टर हो तो वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो ये तो एक जनरल जो डेफिनेशन होनी चाहिए अपने माइंड में आती है वो हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम उसको पढ़ेंगे इंड एज 24 के अकॉर्डिंग, मजेदार डेफिनेशन है देखना। Close member of a family of a person are the one who may be expected to influence or be influenced by that person, जो कि influence किए जाएंगे या फिर उनको मैं influence करूंगा या फिर मैं उनके कारण influence होऊंगा, in their dealing with the entity, मतलब entity में कुछ ना कुछ influencing power हो जाएगी। It includes क्या क्या आएगा, that person's children, मेरे बच्चे, स्पाउस मेरी बीवी और डोमेस्टिक पार्टनर, फिर से पढ़ रहा हूं, दैट पर्सन चिल्ड्रन मेरे बच्चे, अभी तक मेरे कोई बच्चे नहीं है, ठीक है ना, मतलब फिलहाल इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जय चावला के क्लोज मेंबर कौन कौन होंगे, मेरे बच्चे, ठीक है, स्पाउस मतलब बीवी, ठीक है, डोमेस्टिक पार्टनर, ये क्या है सर डोमेस्टिक पार्टनर, बेटा यूरोपियन कल्चर, इंडियस कहां से बनाए गए, इंडियस बनाए गए IFRS से, और IFRS कहां से आए, यूरोप से, IFRS यूरोप से आए, तो बेटा जब इंडियस आया तो यूरोप की हवा भी लाया,
तो साथ साथ उन्होंने बोला कि भैया हमारे यूरोप में सिर्फ बीवी थोड़ी होती है, बीवी के अलावा लिव इन रिलेशनशिप में भी चलते हैं, अलग से भी होता है, आजकल तो इंडिया में भी चल रहा है, बेटा जय चावला का नहीं चल रहा है, ठीक है। सो दैट पर्सन चिल्ड्रन स्पाउस और अगर किसी का डोमेस्टिक पार्टनर हो, मतलब अगर शादी नहीं भी हुई है आपकी पर वो आपके साथ रहता है या रहती है, ठीक है ना, मतलब सारे टाइप के डोमेस्टिक पार्टनर हो सकते हैं, डोमेस्टिक पार्टनर मेल का मेल भी हो सकता है, मेल का फीमेल भी हो सकता है, ध्यान रखना भाई। मतलब ना अभी रिसेंटली वो जो सेक्शन कौन सा था वो सरकार ने लिफ्ट कर दिया, उसको हटा दिया है, तो ध्यान रखना। तो डोमेस्टिक पार्टनर, यहां डोमेस्टिक पार्टनर ही शी कुछ भी हो सकता है। सो दैट पर्सन्स चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा डोमेस्टिक पार्टनर, ठीक है, जो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, मेरी सिस्टर, मेरे फादर, मेरे मदर। अब यहां कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड यूज है? नहीं, यहां डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, मेरे फादर, मेरे मदर, ये चारों चाहे डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट नहीं हो, ये आएंगे क्लोज मेंबर में। मेरी बीवी, मेरे बच्चे आएंगे क्लोज मेंबर में। डोमेस्टिक पार्टनर को भी अब ऐड कर दिया गया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन स्पाउस, ओ माय गॉड, ये क्या है बेटा, यूरोपियन कल्चर, और अब तो ये इंडिया में भी होता है, बहुत सारा देखा है हमने। सर ऊपर लिख तो दिया पर्सन चिल्ड्रन, बेटा ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा था पर्सन चिल्ड्रन मतलब उस व्यक्ति के बच्चे, और नीचे लिखा है व्यक्ति के स्पाउस के बच्चे। अच्छा हाँ सर, चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर, डोमेस्टिक पार्टनर के उसके खुद के जो बच्चे होंगे और पर्सन के जो बच्चे होंगे वो दोनों बच्चे रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। स्पाउस के बच्चे होंगे और पर्सन के बच्चे होंगे वो दोनों रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप की डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको कंपनी सेक्ट में नहीं मिलेगी और आपके इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी, ये बढ़िया हमारे इंडियंस में ही मिलेगी आपको। कितना मजे करवाती है ये डेफिनेशन, सोचो। एंड लास्ट में क्या लिखा है, एंड डिपेंडेंट्स ऑफ दैट पर्सन, दैट पर्सन स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो चाची हो, चाहे वो फूफा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे वो फ्रेंड हो, अगर वो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे स्पाउस के ऊपर या मेरे डोमेस्टिक पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन में ना हो, इतनी बड़ी बात कह दी, सोचो। इसीलिए ध्यान से आप उसको पढ़ोगे, क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन में पढ़ोगे, तो उन्होंने स्टार्ट कहां से किया है, पॉइंट स्टार्ट होने से पहले, इट इंक्लूड्स, इसका मतलब जो ये डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। चलिए बेटा हम फिर से पढ़ते हैं, पर्सन चिल्ड्रन स्पाउस डोमेस्टिक पार्टनर फादर मदर ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस ऑफ डोमेस्टिक पार्टनर ऑल्सो, ओके, डिपेंडेंट ऑफ पर्सन, डिपेंडेंट एनी पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑफ द पर्सन और डिपेंडेंट ऑन स्पाउस, पर्सन स्पाउस और डिपेंडेंट ऑन पर्सन डोमेस्टिक पार्टनर, एनी बडी हु इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में तो सब कुछ आ जाएगा अगर कोई डिपेंडेंट है तो। डिपेंडेंट मतलब जो कमाता नहीं हो, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, चाहे हम उसको किसी को रास्ते से उठा के लेके आए तो भी वो होगा। सर क्यों भाई, सीधी सीधी बात है यार, सोचो अगर मान लो एक घर में कोई मेरा फ्रेंड रहता है और वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, मैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो जब मैं घर जाता हूंगा तो हो सकता है, माइट बी, मैं अपनी कुछ बातें शेयर करता हूं अपने दोस्त के साथ, और हो सकता है कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाए जहां पर मेरी कंपनी मेरे किसी उस फ्रेंड के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, जिससे हो सकता है इन्फ्लुएंस हो जाए, वो रिलेशन के कारण हो सकता है वो ट्रांजेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। चलिए बेटा अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। आगे लिखा हुआ है पेरेंट, बेटा पेरेंट आप सब लोग समझते हो, पेरेंट मतलब एक होल्डिंग कंपनी जिसकी कोई सब्सिडियरी या सब्सिडरीज हो या एसोसिएट कंपनीज हो या जॉइंट वेंचर कंपनीज हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जो कंट्रोल करती हो बेसिकली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल, बेटा कंट्रोल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी इंडियस 110 में पढ़ चुके हैं, कंट्रोल की डेफिनेशन जहां पर हमने पावर पढ़ा था, ठीक है, पूरा एक बार मैं पढ़ लेता हूं। कंट्रोल इज द पावर ओवर द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी मतलब सामने वाला कंपनी, मतलब सब्सिडी। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पावर, पावर करना, पावर होना। When it is exposed or has right to variable returns from its involvement,
कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर मेरे इन्वॉल्वमेंट के कारण उस एंटिटी के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है, मैं उसके बिजनेस पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कंट्रोल है, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट द रिटर्न्स, और मेरे इन्वॉल्वमेंट के कारण शायद उसके रिटर्न्स पर भी अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, और मैं उसके रिटर्न्स में अपना हक जता रहा हूं, दैट मीन्स मेरे पास कंट्रोल है। मैंने आपको तब बताया था कंसोलिडेशन में कि डेफिनेशन इतनी खतरनाक है कि जो कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन है जो हमने एएस पुरानी पढ़ी हुई है उसमें लिखा होता है कि जनरली 51% या उससे 50% से ऊपर होता है तो कंट्रोल माना जाता है, पर यहां पर ऐसा है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि इवन अगर मेरे पास 30% शेयर्स हैं, मेरे पास 30% शेयर्स हैं डी फॉर्चून क्लासेस लिमिटेड में, 30%, अब मैं मेरे पास कंट्रोल तो नहीं है ऐसे तो देखा जाए तो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से, बट बिना मेरे मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता डी फॉर्चून क्लासेस में। बोलो, एक भी डिसीजन, छोटे से छोटा डिसीजन भी बिना मुझसे पूछे नहीं लिया जाता। सारी की सारी एक्टिविटीज को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, कंट्रोल का मतलब मैं सारी की सारी एक्टिविटीज को चला रहा हूं, पावर पूरा पूरा मेरे पास है। कब कौन सी क्लास लगेगी, कैसे लगेगी, किस तरीके से लगेगी और कितनी फीस रहेगी, सब कुछ मेरे ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास भले 30% है बट कंट्रोल यहां पर पूरा पूरा मेरे पास है। तो यह जो नई डेफिनेशन है इंडेस वाली, उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज को इन्वॉल्व नहीं किया गया है कंट्रोल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट कंट्रोल। बेटा ज्वाइंट कंट्रोल हमने इंडेस 111 में ज्वाइंट अरेंजमेंट में पढ़ा हुआ है, जब एक एंटिटी के ऊपर, एक ज्वाइंट वेंचर के ऊपर दो अलग अलग वेंचरर्स का ज्वाइंट कंट्रोल हो थ्रू द एग्रीमेंट, थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। ज्वाइंट वेंचर के लिए, ज्वाइंट कंट्रोल होने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होना जरूरी है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सहमति होना चाहिए और यूनैनिमस कंसेंट होना चाहिए। हमने डेफिनेशन पढ़ा था यूनैनिमस, याद है आपको, यूनैनिमस कंसेंट होना चाहिए। हाँ सर, ठीक है, लिखा भी है। ज्वाइंट कंट्रोल कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, हम दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे। अरेंजमेंट विच एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिसीजंस अबाउट द रिलेवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्स यूनैनिमस कंसेंट ऑफ द पार्टीज शेयरिंग कंट्रोल, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर क्या होता है, बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने एसोसिएट के रिलेशन में पढ़ा था, पावर टू पार्टिसिपेट। कंट्रोल और सिग्निफिकेंट दोनों अलग अलग होते हैं। कंट्रोल मतलब मेरे पास पावर है कि मैं तुम्हारी रिलेवेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पा रहा हूं, अफेक्ट कर रहा हूं, मेरे इन्वॉल्वमेंट के कारण उसमें तुम्हारे रिटर्न्स पे अफेक्ट पड़ रहा है और उन रिटर्न्स में मेरा अधिकार है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मेरे पास पावर है पर मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है कि मैं तुम्हारे रिटर्न्स पर अफेक्ट कर सकूं, मैं सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता हूं तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में, मैं तुम्हारे डिसीजंस को नहीं ले सकता हूं। कंट्रोल में क्या होता है, मैं डिसीजंस ले रहा हूं तभी तो रिटर्न्स इफेक्ट हो रहे हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, मेरे पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। जनरली 20% या उससे ज्यादा अगर होता है तो माना जाता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और 50% के अंदर होता है तो ठीक है। द टर्म कंट्रोल, ज्वाइंट वेंचर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आर डिस्कस इन द डिटेल्स इन चैप्टर नंबर, वो आपको पता है कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा, तो ये इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ जी, लास्ट डेफिनेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, की मैनेजमेंट पर्सनल। की मैनेजमेंट पर्सनल, कंपनी का एक की मैनेजमेंट व्यक्ति, की मैनेजरियल व्यक्ति, कंपनी का एक खास आदमी। आपको तीन वर्ड्स याद रखने हैं की मैनेजमेंट पर्सनल को याद रखने के लिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन की मैनेजमेंट पर्सन माना जाएगा अगर उसके पास तीन अथॉरिटीज हैं, अगर उसके पास तीन अथॉरिटीज हैं, क्या सर, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर एक पर्सन के पास रिपोर्टिंग एंटिटी में प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का अथॉरिटी है, तो वो कोई भी पर्सन हो, उसका डेजिग्नेशन कोई भी हो, चाहे वो उस कंपनी का नॉर्मल एम्प्लॉय क्यों ना हो, वो व्यक्ति की मैनेजमेंट पर्सनल कहलाएगा। That means Ind-AS 24 कहता है कि key management personnel होने के लिए it is not necessary कि कोई designation हो। Generally CEO, CFO, managing director ये सारे ही key management personnel होते हैं। But Ind-AS 24 बोलता है हो सकता है
कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी में ये कोई भी डेजिग्नेशन होल्ड नहीं कर रहा है, बट उसके पास प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पावर तीनों है. प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पावर तीनों है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है. की मैनेजमेंट पर्सनल, की मैनेजमेंट पर्सनल क्या लिखा है? आर दोज पर्सन्स हैविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो ऑफ दैट एंटिटी. आई बट समझ में बेटा? एनालिसिस में क्या लिखा है? द डेफिनेशन इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस. इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर दीज पीपल शुड हैव द डायरेक्टर डेजिग्नेशन. द टर्म ऑल्सो डिफाइन इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी इफ दोज कमिटीज हैव द अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी. ठीक सर. ऑडिटर नहीं बेटा, ऑडिटर तो तीनों, ऑडिटर के पास तीनों चीजें नहीं होती, ना प्लानिंग करता है, ना कंट्रोलिंग करता है, ना डायरेक्टिंग करता है. ऑडिटर बेचारा तो ऑडिट करता है. ठीक है. ओके. सो ये थी डेफिनेशन. इन डेफिनेशंस में अभी तक अगर मुझसे आप पूछोगे तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. एक तो क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ पर्सन और दूसरा की मैनेजमेंट पर्सन, की मैनेजमेंट पर्सनल. ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. बाकी तो बहुत सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कंसोलिडेशन वगैरह में. ठीक है बेटा, अब आते हैं वापस से. अब हम समझाएंगे आपको कि एक रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेशनशिप क्या क्या होगा. एक रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेशनशिप डिफाइन करना है. सो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी. तो ये टाइप्स को हमने दो हिस्सों में बांटा है. रिपोर्टिंग एंटिटी रिलेशनशिप विद द पर्सन, नेचुरल पर्सन, और दूसरा रिपोर्टिंग एंटिटी रिलेशनशिप विद द एंटिटी, अदर एंटिटी जो नेचुरल पर्सन नहीं है. तो दो हिस्सों में हम बांट रहे हैं, पहला रिलेशनशिप विद द पर्सन और दूसरा रिलेशनशिप विद द एंटिटी. तो पहले ये समझना जरूरी है कि रिलेशनशिप विद द पर्सन क्या, मतलब कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड है. कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड है. वन रिलेशनशिप इज बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अ पर्सन और पर्सन, द अदर रिलेशनशिप इज बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अनदर एंटिटी और एंटिटीज. ठीक है, अब आते हैं पहला टाइप वन. ठीक है, टाइप वन पहला, अ पर्सन और अ क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन. आप समझ लीजिएगा, क्लोज मेंबर जैसे ही आ गया तो आपके माइंड में क्या क्या घूमना चाहिए? सर डोमेस्टिक पार्टनर. अरे डोमेस्टिक पार्टनर के साथ साथ और भी चीजें घूमनी चाहिए. सो जैसे ही पर्सन या क्लोज मेंबर आ गया तो उस पर्सन के बच्चे, स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर. स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर में से कोई एक ही होगा यार ऑब्वियसली. ठीक है ना. ओके, सो पर्सन, स्पाउस, चिल्ड्रन, डोमेस्टिक पार्टनर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ डोमेस्टिक पार्टनर, डिपेंडेंट ऑफ पर्सन, डिपेंडेंट ऑन द पर्सन और डिपेंडेंट ऑन पर्सन स्पाउस और एनी अदर व्यक्ति डिपेंडेंट ऑन द पर्सन डोमेस्टिक पार्टनर. ठीक है ना. तो अ पर्सन और अ क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन फैमिली इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी इफ दैट पर्सन हैज कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी. अगर एक पर्सन के पास कंट्रोल है, अगर उसके पास कंट्रोल है या ज्वाइंट कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, मैं तीनों बातें इकट्ठी बोल देता हूं. अगर एक व्यक्ति के पास कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है किसी रिपोर्टिंग एंटिटी में, तो ये एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बन जाएगा. और सिर्फ वो ही नहीं, उसके सारे क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बन जाएगा. मतलब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होने के लिए पर्सन के पास क्या तो कंट्रोल हो या तो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो या तो फिर ज्वाइंट कंट्रोल हो. मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल दू. देखिए, जय चावला इज होल्डिंग 55% शेयर्स इन डी फॉर्चून लिमिटेड. सपोज डी फॉर्चून लिमिटेड में इंडियस अप्लाई होना है, कभी ना कभी तो अप्लाई करवाऊंगा. सो डी फॉर्चून लिमिटेड में इंडियस अप्लाई होना है. ठीक है, अप्लाई होना है. ठीक है, अब डी फॉर्चून लिमिटेड के 51% शेयर्स मेरे पास है, तो ये जनरली माना जाएगा कि ऑब्वियसली कंट्रोल मेरे पास है. तो क्या मैं बन गया रिलेटेड पार्टी?
अपने रिलेटेड पार्टी बन गया क्या? मैं अपने डी फॉर्च्यून लिमिटेड का, यस। और मेरे साथ साथ और कौन बन गया? मान लो 49% शेयर्स मेरे वाइफ के पास है, 49। तो मेरी वाइफ के पास कंट्रोल तो नहीं है, पर मेरी वाइफ के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कंट्रोल अगर मेरे पास है। अच्छा, मैंने आपको कंसोलिडेशन में बताया था कि कंट्रोल हमेशा एक ही व्यक्ति के पास होता है, जब तक एग्रीमेंट ज्वाइंट कंट्रोल का ना हो। तो ज्वाइंट कंट्रोल तो नहीं है, तो यहां पर मेरी वाइफ के पास 49% शेयर है, तो मतलब उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो मेरी वाइफ भी बन गई कौन? मेरी वाइफ भी कौन बन गई? रिलेटेड पार्टी ऑफ डी फॉर्च्यून लिमिटेड। और मेरे और मेरी वाइफ के जो भी डिपेंडेंट होंगे, मेरे जो भी क्या बोलते हैं, मेरे जो भी क्या होंगे, मेरे जो भी ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, डोमेस्टिक पार्टनर, बच्चे, मेरी वाइफ के फादर, मदर वगैरह वगैरह, वो सब कौन हो गए? रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो सब क्लोज मेंबर में आ गए। अगर कोई फ्रेंड है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? सर, एक क्वेश्चन आया माइंड में। सर, घर में किसी के, सर मिस्टर ए हैं, सर मिस्टर ए हैं, उन्होंने किसी कंपनी में 60% होल्ड करके रखा है, तो सर उनके पास कंट्रोल हुआ? हाँ बिल्कुल, वो तो मालिक ही हुआ एक तरीके से। सर, उनके घर पे ना एक मेड है जो उनके घर पे ही रहती है, एंड शी इज टोटली डिपेंडेंट, शी इज टोटली डिपेंडेंट। सर मेड है, वो घर का पूरा काम करती है। सर कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई डोमेस्टिक पार्टनर नहीं है, स्पाउस नहीं है, बीवी बच्चे वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं है रिलेशनशिप, बट सर वो जो मेड है ना, वो उन्हीं के घर पे रहती है और वो पूरा उनके घर का काम संभालती है। आया टाइप की है, आया टाइप केयर टेकर टाइप की है। तो सर क्या वो भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी बन जाएगी? यस, बिकॉज डिपेंडेंट, शी इज टोटली डिपेंडेंट। आई मेरी बात समझ में? अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जय चावला के पास 5% शेयर है डी फॉर्च्यून लिमिटेड में, 95% शेयर जय चावला की वाइफ के पास है। जय चावला इज हैविंग ओनली 5% शेयर इन डी फॉर्च्यून लिमिटेड, एंड 95% शेयर आर विथ माई वाइफ। तो टेक्निकली वाइफ जो होगी उसके पास आ गया कंट्रोल, तो वो मेरी वाइफ, मतलब मेरी वाइफ और वो कंपनी डी फॉर्च्यून लिमिटेड, वो बन गए आपस में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। क्या मैं आऊंगा क्या? मेरी तो चलती नहीं है बॉस, मेरे पास तो 5% है, मेरी चलती नहीं, मेरे को कोई सुनता भी नहीं है, मेरे पास कोई प्लानिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टर की डायरेक्टिंग की भी अथॉरिटी नहीं है, मेरे को तो मेरे एम्प्लॉय तक नहीं सुनते भाई, अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, पर क्योंकि मेरी वाइफ के पास 95% है, तो उसका जो स्पाउस होगा, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं क्लोज मेंबर में आ गया, तो मैं क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली में आ गया, क्लोज फैमिली मेंबर में आ गया, तो मैं रिलेटेड पार्टी बन ही जाऊंगा। हाई बात समझ में? भले मेरे पास 5% है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। अ पर्सन और क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली पर्सन इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी इफ दैट पर्सन हैज कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी और हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बेटा एक ही लाइन पढ़ लेते ना, कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और इज अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल, या तो फिर वो मेरे पास ना, मतलब एक डी फॉर्च्यून लिमिटेड में एक व्यक्ति काम करता है, संजय। संजय मेरा असिस्टेंट है, एक्चुअली मैं संजय मेरा असिस्टेंट है, संजय पूरा मेरा काम संभालता है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से लेकर पूरा मेरा काम संभालता है ना। तो पॉइंट इज कि संजय जो है वो मेरा बंदा है। अब उसके पास कोई शेयर नहीं है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जो मैं बोलूंगा उसको करना पड़ेगा, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। बट संजय को मैंने अपने डी फॉर्च्यून लिमिटेड में की मैनेजमेंट पर्सनल बना के रखा है। दैट मींस मैंने संजय को ये अथॉरिटी दे के रखी है कि जितने भी रेगुलर डिसीजन होते हैं वो तू खुद ले सकता है, कि जैसे अदर क्लासेस होती हैं, जैसे हमारे यहाँ जो अदर क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी सैटेलाइट क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह बेचना वगैरह। तो वो मैंने संजय को बोल के रखा है कि फीस कितनी रखनी है वो तू डिसाइड करेगा, एक बार बस हमें बता देगा, हमारी सलाह होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितना कैसे क्या क्या हो रहा है, बैच कब स्टार्ट होना है, बैच कब स्टार्ट होना है, कितने टाइम पर रखना है, वो तू अपने हिसाब से प्लान करेगा, किसी बच्चे को रिकवरी देनी है नहीं देनी है वो तू देखेगा। हाँ, हमसे, हमें पता होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, संजय इज अ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ डी फॉर्च्यून लिमिटेड, सो टेल मी, क्या संजय भी रिलेटेड पार्टी होगा? यस। और ऐसा कोई पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल,
की मैनेजमेंट पर्सनल, पर्सनल मतलब जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे उसमें संजय आता है, संजय इज अ की मैनेजमेंट पर्सन। तो संजय भी डी फॉर्चून लिमिटेड का बन जाएगा कौन, कौन संजय बन जाएगा रिलेटेड पार्टी। आपको याद है बहुत सारी मूवीज में, स्पेशली अभी की मूवीज में तो ज्यादा दिखता नहीं है, बट बहुत सारी मूवीज में दिखता है कि हीरो के पापा या हीरोइन के पापा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और उनके साथ उनके कोई राइट हैंडेड मुनीम जी करके कुछ होते हैं टाइप के लोग, ठीक है ना, जो बिल्कुल पूरा बिजनेस संभालते हैं बेसिकली। तो वो जो मुनीम जी जो टाइप के होते हैं उनको सब पता रहता है कि यार क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, एंड उनको पूरी प्लानिंग का पता रहता है, उनका वो पूरी प्लानिंग के लिए अथोराइज होते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, उनके पास रहता है पूरा। तो जो मुनीम जी होंगे ना, वो मुनीम जी को बोला जाएगा की मैनेजमेंट पर्सन, चाहे उनका कोई डेजिग्नेशन हो चाहे नहीं हो, और उसको उनको बोला जाएगा की मैनेजमेंट पर्सन, और वो भी रिलेटेड पार्टी होंगे कंपनी के, ठीक है सर। तो मेंबर ऑफ अ की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और अ पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। सर पेरेंट मतलब ये पी लिमिटेड, ये एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को मैं बोल रहा हूं रिपोर्टिंग एंटिटी। बेटा जैसे ही मैंने बोला रिपोर्टिंग एंटिटी तो इसका मतलब मुझे इंड एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पी लिमिटेड का कोई केएमपी की मैनेजमेंट पर्सनल, पी लिमिटेड का कोई केएमपी, एस लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी होगा। क्या लिखा है, अ पर्सन और अ क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन फैमिली इज रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटी इफ दैट पर्सन इज अ मेंबर इसका केएमपी मिस्टर ए और इसका केएमपी मिस्टर बी। तो केएमपी मिस्टर ए इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ एस लिमिटेड एंड केएमपी मिस्टर बी ऑफ पी लिमिटेड इज ऑल्सो अ रिलेटेड पार्टी ऑफ एस लिमिटेड, इज अ मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और द पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी के पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी पेरेंट, रिपोर्टिंग एंटिटी का पेरेंट कंपनी का जो की केएमपी होगा वो भी सब्सिडरी का रिलेटेड पार्टी होगा। सर तो उल्टा वाइस वर्सा नहीं हो सकता क्या कि सर सब्सिडरी का जो केएमपी होगा वो पेरेंट का रिलेटेड होगा? नहीं, यहां वाइस वर्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स को एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं सेकेंड रिलेशनशिप पे, कि रिलेशनशिप विद द अदर एंटिटी, सेकेंड रिलेशनशिप पे चलते हैं, पहले इतना पढ़ लीजिए। हाँ जी गाइस, सो पढ़ लिया एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लिए, अगर आप अपने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कि वो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कि नहीं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स मतलब क्वेश्चंस बेसिकली मैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी लिखने वाला हूँ बोर्ड पे, अपन देखते हैं कि वो एग्जाम्पल्स आपसे बनते हैं कि नहीं, अपन उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। सो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पर्सन से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पर्सन
एंड हिज क्लोज फैमिली मेंबर, पर्सन एंड हिज क्लोज फैमिली मेंबर क्या होना चाहिए? अगर उसका कंट्रोल है या फिर उसका उसके पास सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है या फिर उसके पास ज्वाइंट कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है किसमें? रिपोर्टिंग एंटिटी में, रिपोर्टिंग एंटिटी में, रिपोर्टिंग एंटिटी में कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या फिर ज्वाइंट कंट्रोल। तो पर्सन और उसकी क्लोज फैमिली मेंबर्स हो जाएगी रिलेटेड पार्टी, या फिर वो पर्सन केएमपी है, केएमपी है किसमें? रिलेटेड पार्टी में, रिलेटेड पार्टी में, तो भी वो क्या हो जाएंगे? तो भी वो क्या हो जाएगा? पर्सन और उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स सारे के सारे रिपोर्टिंग एंटिटी के रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये देखा था केएमपी, केएमपी ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है ना, एंड रिपोर्टिंग एंटिटी अपने आप में एक सब्सिडरी कंपनी है, तो भी वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। सर ये क्यों हो रहा है? मतलब पेरेंट कंपनी का केएमपी रिपोर्टिंग एंटिटी का, रिपोर्टिंग एंटिटी के पेरेंट कंपनी का केएमपी रिपोर्टिंग कंपनी का क्यों हो रहा है? बेटा सीधी सीधी बात है, केएमपी वो किसका है? पेरेंट का। मतलब सपोज मिस्टर ए इज सीईओ इन पी लिमिटेड एंड पी लिमिटेड हैज सब्सिडरी एस लिमिटेड 90%, इसका मतलब पी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग एस लिमिटेड एंड ए मिस्टर ए इज कंट्रोलिंग पी, तो अल्टीमेटली मिस्टर ए इज ऑल्सो कंट्रोलिंग एस, सिंपली। पर वाइज वर्सा नहीं चलेगा जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, कुछ आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या करना है अपने को। मान लो मिस्टर ए, एग्जांपल वन ध्यान रखना, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में इनके 60% शेयर हैं और वाई लिमिटेड में इनके 80% शेयर है, 70% शेयर है। अब ये समझ लो कि मिस्टर ए के पास एक्स में भी कंट्रोल है और वाई में भी कंट्रोल है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या एक्स और वाई आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे क्या? यस, रिलेटेड पार्टी, यस। अगर मिस्टर ए के पास कंट्रोल है एक्स लिमिटेड में, मिस्टर वाई ए के पास कंट्रोल है वाई लिमिटेड में, तो इसका मतलब मिस्टर ए दोनों को कंट्रोल कर रहा है, दोनों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों रिलेटेड पार्टी होंगे। यहां पर पर्सन से रिलेशन में हो रहा है तो इसीलिए आप बोले जाएंगे कि एक्स इज रिलेटेड पार्टी ऑफ वाई एंड वाई इज रिलेटेड पार्टी ऑफ एक्स, ए इज रिलेटेड पार्टी ऑफ एक्स वाई लिमिटेड एंड ए इज रिलेटेड पार्टी ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब जब एक्स लिमिटेड अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो वो ए को तो बनाएगा ही बनाएगा, ए को तो रिलेटेड पार्टी दिखाएगा ही दिखाएगा, वो वाई को भी रिलेटेड पार्टी दिखाएगा। जब वाई अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो वो एक्स को और ए को दोनों को रिलेटेड पार्टी दिखाएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड कंट्रोल करता है क्योंकि 90% शेयर है और वाई लिमिटेड में इसके पास 40% शेयर है, मान लो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ज्वाइंट कंट्रोल करता है, सर अब क्या होगा? बेटा अभी भी एक्स एंड वाई रिलेटेड पार्टी होंगे, रिलेटेड पार्टी होंगे। ए लिमिटेड एक एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, दूसरी एंटिटी को वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है, दोनों एक्स और वाई रिलेटेड पार्टी होंगे। बेटा दोनों रिलेटेड पार्टी होंगे, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा सर एग्जाम्पल थ्री, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, सर इसमें कंट्रोल है
और ये केएमपी है। अब क्या होगा सर, एक में कंट्रोल है और एक में केएमपी है, सर अब क्या होगा? बेटा देखो ए जो है वो इंडियस 110 की कंट्रोल की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है एक्स लिमिटेड में, और ए जो है वो वाई लिमिटेड का केएमपी, मतलब वाई लिमिटेड भी कहीं ना कहीं वो वाई लिमिटेड में, वो कहीं ना कहीं वाई लिमिटेड में वो कहीं ना कहीं प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। इसका मतलब अभी भी इन्फ्लुएंस वो एक दूसरे से करवा सकता है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये भी रिलेटेड पार्टी है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये भी रिलेटेड पार्टी है सर। मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और वाई लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब बताओ सर अब क्या होगा? बेटा अब इन दोनों के बीच में नो रिलेटेड पार्टी नहीं है ट्रांजैक्शन। सर क्यों, अब क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूं कॉमन कंट्रोल एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय सेम पर्सन और हिज हर क्लोज मेंबर आर रिलेटेड पार्टी। अब यहां पर क्या लिखा है, कंट्रोल्ड, देयर शुड बी एटलीस्ट वन कंट्रोल इन एनी वन एंटिटी। बेटा पहले केस को देखो, दोनों में कंट्रोल है, दूसरे को केस को देखो, एक में कंट्रोल है एक में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एटलीस्ट किसी एक में कंट्रोल होना जरूरी है। तीसरे को देखो, एक में कंट्रोल है एक में केएमपी है, चौथे को देखो किसी में कंट्रोल नहीं है, मतलब इसीलिए। अच्छा सर एक बात बताओ, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड का केएमपी है और वाई लिमिटेड का भी वो केएमपी है, अब बोलो सर नो रिलेटेड पार्टी। सर अब क्यों नहीं, यहां पर भी कंट्रोल है। बेटा यहां पर जो कंट्रोल है वो इंडियस 110 वाला कंट्रोल नहीं है। मैं जो यहां पर बोल रहा हूं, देयर शुड बी एटलीस्ट वन कंट्रोल एज पर इंडियस 110, मतलब कोई भी केस उठा लो आप, जितने मैंने एग्जांपल दिए, अगर कंट्रोल एज पर इंडियस 110 किसी एक में है तो आपस में कॉमन कंट्रोल एंटिटीज भी, कॉमन कंट्रोल एंटिटीज भी आपस में बन जाएंगी, आपस में कॉमन कंट्रोल एंटिटीज भी, आपस में कॉमन कंट्रोल एंटिटीज भी बन जाएंगी क्या, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी बनने के लिए, रिलेटेड पार्टी बनने के लिए अगर कॉमन कंट्रोल एंटिटीज में भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ढूंढना है तो जो उनका मेन कंट्रोलिंग एंटिटी है वो लिटरली किसी एक में कंट्रोल करना होना चाहिए, दूसरे में भले वो केएमपी हो, भले वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, भले वो ज्वाइंट कंट्रोल हो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो कॉमन कंट्रोल एंटिटीज कंट्रोल बाय सेम पर्सन और हिज फैमिली मेंबर। सर एक बात बताओ, सर 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 एक लास्ट क्वेश्चन बताओ, अगर 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 मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में कंट्रोल है एंड मिसेस ए वाई लिमिटेड में कंट्रोल है या केएमपी है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सर अब क्या होगा? बेटा अभी भी रिलेटेड पार्टी होगा, यस, क्योंकि मिस्टर ए और हिज फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर, अभी भी ये आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट जरूर करिएगा सारे एग्जांपल्स को, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है। तो सबसे पहले आप सारे एग्जांपल्स और साथ साथ ये जो चीज मैंने लिखवाई है इसको नोट करिएगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा पर्सन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। बेटा देखो डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि मिस्टर ए इज हैविंग कंट्रोल इन एक्स लिमिटेड, सिंपल, मिस्टर एक्स ए इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हैविंग ज्वाइंट कंट्रोल, इट इज अ केएमपी, वो तो सिंपल सिंपल तो हमने यहीं पे पढ़ लिया, पर जो घुमा फिराके वाले जो केसेस होते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए।
ठीक है, एक बार नोट जरूर कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. देयर शुड बी एटलीस्ट वन कंट्रोल इन एनी एंटिटी. ठीक है ना, देयर शुड बी एटलीस्ट वन कंट्रोल इन एनी वन एंटिटी. या मैं इसको और अच्छे से लिखूं, देयर शुड बी अ कंट्रोल इन एटलीस्ट वन एंटिटी. किसी एक एंटिटी में कंट्रोल होना ही चाहिए. ठीक है, ठीक है बेटा. तो ये मैंने केसेस जो लिखवा को कौन सी है, कॉमन कंपनीज, कॉमन कंट्रोल एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन और हिज क्लोज फैमिली मेंबर्स, कॉमन कंट्रोल एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय सेम पर्सन और हिज हर फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर्स. ठीक है ना, और ऑल्सो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी. बेटा मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? सारी बातें लिखी हुई है नोट्स में, इसीलिए मैं बार बार अब नोट्स में से नहीं पढ़ा रहा हूं. नोट्स तो चलो ठीक है, आपको जो दे दिए गए, अब आप मेरे एग्जांपल्स को भी साथ साथ देखते हुए जाओगे. ठीक है बेटा, गाइस क्लियर है कि नहीं? चलो समझ में आ गया ना, ठीक है. सो इसको एक बार नोट कर लीजिए. अब हम क्या बात करने वाले हैं, पर्सन से रिलेटेड जितने भी चीजें होती वो बात कर ली. अब हम बात करेंगे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद द अदर एंटिटी, पर्सन नहीं. यहां पर पर्सन से जितने भी थे, इवन आपस में एंटिटीज को भी कर दिया, पर क्योंकि उसमें पर्सन इन्वॉल्व था. अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपस मतलब कोई पर्सन तो इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ एंटिटीज अगर इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा, अगर एंटिटीज ही इन्वॉल्व हैं तो क्या होगा. ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लो एक बार. हाँ जी, चलिए आगे. तो ये जितने भी रिलेशनशिप्स थे पर्सन से रिलेटेड रिलेशनशिप्स थे, अब मैं बात करूंगा अब मैं बात करूंगा किसके साथ, रिपोर्टिंग एंटिटी having relations with other entities not involving any person. अभी तक तो person बीच में involved था, जो सबसे last में मैंने कई सारे examples दिए उसमें आपस में reporting entities ही related थी, but आपस में entities related थी but person बीच में involved था. अब मैं बोल रहा हूं person involved नहीं है तो क्या होगा, अपन इसमें सबसे पहले देख लेते हैं. सबसे पहले all entities in same group are always related to each other. ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल है ना. सेम ग्रुप लिखा है, ध्यान से समझो फिर बताता हूं. हेयर
सेम ग्रुप मींस, यहां पर सेम ग्रुप का मतलब क्या हुआ? पेरेंट एंड सब्सिडरीज ओनली, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर मतलब अभी भी नहीं समझ में आया, सेम ग्रुप डज नॉट इंक्लूड एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर्स। सेठ बेटा जब हम सेम ग्रुप की बात करेंगे ना तो सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरीज, सेम ग्रुप की बात करेंगे तो होल्डिंग सब्सिडरी, सेम ग्रुप में एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स नहीं आएंगे। सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड 90%, 80%। बेटा ये तीनों एक दूसरे के रिलेटेड है, ऑल एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एंटिटीज इन सेम ग्रुप आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो चाहे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो, कैसे भी हो, ये एक सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप। तो अब ए के लिए बी सी रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, बी के लिए ए सी रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, सी के लिए ए बी रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, सब होंगे, ऑल एंटिटीज इन सेम ग्रुप, ऑल एंटिटीज इन सेम ग्रुप। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, ए लिमिटेड, बी बी लिमिटेड और सी लिमिटेड? हाँ बेटा, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप मतलब सेम ग्रुप, ऑल एंटिटीज इन सेम ग्रुप, ऑल एंटिटीज इन सेम ग्रुप, ऑल एंटिटीज इन सेम ग्रुप। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको जल्दी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। चलिए बेटा, यहां तक क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड लिखो, इफ एन एंटिटी हैज एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स, इफ एन एंटिटी हैज एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स, देन दे विल बी रिलेटेड पार्टी। If a reporting entity has associate or joint venture, then they will be related party. सर क्या बोलना चाह रहे हो? X limited, Y limited,
40% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये बन गई एसोसिएट और ये बन गया इन्वेस्टर। बेटा क्या होंगे? ये रिलेटेड पार्टी होंगे। हाँ सर, ये तो सिंपल है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलके, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलके जेड लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर ओपन किया है, जिसमें एक्स लिमिटेड ने 50% लगाया, वाई लिमिटेड ने 50% लगाया। बताओ बेटा अब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स एंड जेड आपस में रिलेटेड पार्टी है? यस। क्या मैं बोल सकता हूं वाई एंड जेड आपस में रिलेटेड पार्टी है? यस। क्या मैं बोल सकता हूं एक्स एंड वाई आपस में रिलेटेड पार्टी है? नो। मैंने ये लिखवाई नहीं है। इफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एसोसिएट और जॉइंट वेंचर देन दे विल बी रिपोर्टेड रिलेटेड पार्टी। मैंने ये नहीं बोला कि को एसोसिएट्स या को वेंचरर्स आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे। एक रूल हमेशा समझ लो, को एसोसिएट्स को वेंचरर्स कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। को एसोसिएट्स या को वेंचरर्स कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। X एंड Z आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे, Y एंड Z आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे, बट X एंड Y आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल लिखो, X लिमिटेड, Z लिमिटेड, Y लिमिटेड, Z लिमिटेड। X लिमिटेड जो है ना वो Z में 40% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के थ्रू होल्ड कर रही है, और Y लिमिटेड जो है ना वो 50% जॉइंट वेंचर के थ्रू होल्ड कर रही है। मतलब Z इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ Y एंड सम अदर पार्टी। मतलब Y ने किसी और के साथ मिलके जॉइंट वेंचर किया है Z में, जॉइंट वेंचर किया है Z में, तो भी नहीं। देखो मैंने आपको दोनों को बताया, ये भी एक वेंचरर है, वेंचरर, और ये भी एक वेंचरर है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो आपस में को वेंचरर्स कभी नहीं हो सकते। अच्छा, एक एसोसिएट कंपनी है जेड का, मतलब एक जो है जेड उसके लिए एसोसिएट कंपनी है और वाई उसके लिए जॉइंट वेंचर है, वाई के लिए वो जॉइंट वेंचर है। आपस में फिर भी एक्स और वाई रिलेटेड नहीं होंगे। एक्स एंड वाई नॉट रिलेटेड पार्टी, नो रिलेटेड पार्टी। आया मेरी बात समझ में? क्लियर है बेटा? सो एक गोल्डन रूल लिख लीजिए, को वेंचरर्स और को एसोसिएट्स कैन नॉट बी रिलेटेड पार्टी एट एनी टाइम। को वेंचरर्स और को एसोसिएट्स कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। इफ अ मेंबर इन अ सेम ग्रुप, देखो बेटा मैंने सेम ग्रुप बोला है तो आप समझ जाना, मेंबर ऑफ सेम ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट एंड सब्सिडरी ओनली, पेरेंट और सब्सिडरी। देखो एक सेम ग्रुप का मतलब होता है एक पेरेंट और जितने भी सब्सिडरीज हो। तो मैं बात कर रहा हूं एक मेंबर की, उस ग्रुप के मेंबर की। सेम ग्रुप के मेंबर में कौन होगा? या तो पेरेंट या तो सब्सिडरी, या तो पेरेंट या तो सब्सिडरी। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर तो सेम ग्रुप में होते ही नहीं है। सो इफ अ मेंबर इन अ सेम ग्रुप हैज एनी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, हैज एनी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, देन
such associate oblique joint venture shall be related party of all members of same group. Oh my god सर, ये तो खतरनाक पॉइंट लिखवाया आपने. हाँ जी सर, बताओ ना क्या बोलना चाह रहे हो सर, कैसे करोगे इसको, इसको हम कैसे करें सर. लेट अस से ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, बी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, मैंने 90% लिखा तो समझ गए, और सी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, 80% लिखा है, ठीक है बेटा. बी लिमिटेड का डी लिमिटेड जो है वो एक एसोसिएट है, 30% होल्ड कर रही है बी लिमिटेड, मतलब डी लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ बी, ठीक है ना, डी लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ बी. सबसे पहले मुझे बताओ कि सेम ग्रुप में कौन कौन आएगा. क्या सेम ग्रुप में ए आएगा? हां. बी आएगा? हां. सी आएगा? हां. डी आएगा? नहीं. सेम ग्रुप में ये आएंगे. दिस इज सेम ग्रुप. अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ अ मेंबर इन अ सेम ग्रुप हैज एनी एसोसिएट, तो इसमें कितने मेंबर हैं? 1, 2, 3. इसमें से एक जो मेंबर है उसकी एक एसोसिएट कंपनी है डी लिमिटेड, देन सच एसोसिएट और जॉइंट वेंचर शैल बी रिलेटेड पार्टी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप. मतलब अब जो डी है ना, डी इज रिलेटेड पार्टी ऑफ ए, बी इज रिलेटेड पार्टी ऑफ बी, डी इज रिलेटेड पार्टी ऑफ सी. रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी. आया समझ में? क्लियर हुआ? मेंबर ऑफ सेम ग्रुप. अच्छा सर एक बात बताओ, इसको तो हम और कर सकते हैं बड़ा. हां. ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, बी लिमिटेड से डी लिमिटेड, सी लिमिटेड से ई लिमिटेड. अभी भी देखो सब्सिडरी पेरेंट चल रहा है डी लिमिटेड, ठीक है ना, ये ई लिमिटेड. डी लिमिटेड से एक्स लिमिटेड 30% एसोसिएट, ई लिमिटेड से वाई लिमिटेड 25% एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, वॉट एवर. मुझे बताओ पहले तो सेम ग्रुप कौन सा है बेटा? सेम ग्रुप में सिर्फ ये आएगा, सेम ग्रुप. अब मुझे बताओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सेम ग्रुप में किसी एक मेंबर के पास अगर कोई एसोसिएट है तो वो एसोसिएट उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड पार्टी का रिलेशन रखेगी. तो इसका मतलब एक्स इज रिलेटेड पार्टी ऑफ ए, बी, सी, डी, ई. एक्स एंड वाई आर को एसोसिएट्स और को वेंचरर्स, देयरफोर दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी. मैंने आपको पहले से ही बोला है ये आपस में नहीं हो सकते रिलेटेड पार्टी. क्लियर गाइस? क्लियर? चलो पहले इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं.
हाँ जी गाइस, चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं बेटा, बस दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, इफ एन एंटिटी इज कॉमन इन टू डिफरेंट जॉइंट वेंचर्स जेवीज, इफ एन एंटिटी इज कॉमन इन टू डिफरेंट जॉइंट वेंचर्स देन बोथ जॉइंट वेंचर्स शेल ऑल्सो बी आरपी लिख दूं रिलेटेड पार्टी विथ ईच अदर। आप सोच सकते हो इस पर क्या एग्जाम्पल बन सकता है, थोड़ा ट्राई करो पहले। सोचो इसमें क्या होगा। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का मिलके एक सी लिमिटेड जॉइंट वेंचर है। ए लिमिटेड और डी लिमिटेड का मिलके एक ई लिमिटेड जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर है। इफ एन एंटिटी इज कॉमन इन टू डिफरेंट वेंचरर्स, इसमें कौन कौन है, ए और बी, इसमें कौन है, ए और डी। अरे माय गॉड, मतलब ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसका मतलब आपस में ये दोनों रिलेटेड पार्टी होंगे। सर पर अभी तो आपने बोला कि को एसोसिएट्स, को वेंचरर्स आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। हाँ मैंने वो बोला था कि को वेंचरर्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, को वेंचरर्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, यहां पर तो एसोसिएट का केस ही नहीं है। पर मैंने ये थोड़ी बोला कि को जॉइंट वेंचरर्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। को वेंचरर्स बोलना अलग है और को जॉइंट वेंचरर्स बोलना अलग है, को वेंचरर्स बोलना अलग है और को जॉइंट वेंचरर्स बोलना अलग है। नहीं समझे? अरे यार मैं बोल रहा हूं कि इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। यहां पर देखो, यहां पर ए और बी आपस में को वेंचरर्स हैं, ये दोनों कभी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते, को वेंचरर्स रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। बट एक एंटिटी किसी ज्वाइंट वेंचर में है और दूसरे ज्वाइंट वेंचर में भी वही एंटिटी है, तो इसका मतलब आपस में ये दोनों ज्वाइंट वेंचर, दोनों ज्वाइंट वेंचरर, ठीक है ना। तो को ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ सेम एंटिटी, मैं इसको लिख सकता हूं को ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ सेम एंटिटी आर रिलेटेड पार्टी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ कि नहीं? सर ए लिमिटेड चलो मैं वो केस करके बता देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक पांचवा केस बना लो, एक पांचवा केस। इफ एन एंटिटी हैज एन एसोसिएट कंपनी एंड ऑल्सो हैज अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी देन बोथ एसोसिएट एंड जेवी आर रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। सर ये क्या लिखवा लिया, क्या उलझा रहे हो सर? अरे मैं नहीं उलझा रहा हूं, को एसोसिएट, एक एसोसिएट दूसरे एसोसिएट। मैंने क्या बोला जैसे मैंने बोला ए लिमिटेड बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, लिमिटेड लिमिटेड लगाना पड़ेगा नहीं तो आप पर्सन समझ जाओगे। ये भी एसोसिएट है, ये भी एसोसिएट है बेटा, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते।
मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, रिलेशनशिप के लिए कंट्रोल कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे सारे केसेस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह सिंगल, कहीं ना कहीं एक जगह कंट्रोल तो दिखेगा, ठीक है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, ए लिमिटेड सॉरी एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखती है, मतलब ये बन गई एसोसिएट, और एक्स लिमिटेड बी लिमिटेड में वेंचरर है, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना, 50%। मैं बोल रहा हूं ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी, क्योंकि देखो ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट कंट्रोल होता है, तो कहीं ना कहीं एक जगह पर ज्वाइंट कंट्रोल होना जरूरी है। सर एक समरी लिखवाओ ना कि क्या को वाले जो है आपने लिखाए हैं, सर उसका एक समरी बता दो। मैं समरी बता रहा हूं और मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स भी और अच्छे से बता देता हूं। आप ऐसा लिख सकते हो, को एसोसिएट्स विल नेवर बी रिलेटेड पार्टी, को वेंचरर्स विल नेवर बी रिलेटेड पार्टी, को सब्सिडरीज विल बी रिलेटेड पार्टी बिकॉज सेम ग्रुप का एग्जाम्पल दिया था मैंने। अच्छा, को ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ सेम एंटिटी विल बी रिलेटेड पार्टी, को ज्वाइंट वेंचर्स। अच्छा, वन एसोसिएट एंड वन ज्वाइंट वेंचर ऑफ सेम एंटिटी विल बी रिलेटेड पार्टी। अच्छा सर, ओके, हाँ जी, ओके। अच्छा सर एक बात बताओ ना, सर होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ। होल्डिंग और उसकी एसोसिएट रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ। होल्डिंग और जॉइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ, ठीक है ना। उसके बाद एसोसिएट और एसोसिएट जॉइंट आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे? नो। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ। ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ। सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ। ठीक है बेटा, तो बस ध्यान ये रखना है कि एसोसिएट आपस में नहीं होंगे। ज्वाइंट वेंचर ये मैंने बता दिया आपको, एक एसोसिएट एक ज्वाइंट वेंचर ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और मैंने और क्या बताया था आपको, तीसरा वाला केस क्या बताया था? हाँ, सेम ग्रुप आपस में वो भी होगा, वो तो फर्स्ट केस ही बता दिया था मैंने। सेकंड केस मैंने क्या बताया था कि एसोसिएट है और ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है और नहीं सॉरी सेकंड मैंने केस क्या बताया था वन सेकंड सेकंड मैंने केस बताया था कि हाँ एसोसिएट है या फिर ज्वाइंट वेंचर है तो रिलेटेड पार्टी होगा, एसोसिएट है या फिर ज्वाइंट वेंचर है तो रिलेटेड पार्टी होगा, बिल्कुल होगा, है ना। मेरी एक एसोसिएट है वो रिलेटेड पार्टी होगी, मेरी एक ज्वाइंट वेंचर है वो रिलेटेड पार्टी होगी, डायरेक्ट वाली केस बता दिया था। थर्ड वाला बताया था कि मेरे सेम ग्रुप में किसी एक मेंबर के पास कोई एसोसिएट है तो वो एसोसिएट हमारे पूरे मेंबर्स के साथ रिलेटेड पार्टी होगी, बट वो एसोसिएट किसी दूसरे एसोसिएट के साथ रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। मेरी बात समझ गए गाइस? ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ बेटा।
मेन इस इंडेक्स में रिलेशनशिप समझना ही तो जरूरी है. डिस्क्लोजर्स क्या क्या होंगे वो तो रटने वाली बात है. मतलब ये स्टैंडर्ड में एक पॉइंट एक फेस इसका लॉजिकल है और दूसरा फेस इसका बिल्कुल ही पूरा का पूरा थियोरेटिकल है. लॉजिकल फेस अभी हम पढ़ रहे हैं और अभी हमारा वो बस खत्म होने वाला है. जो थियोरेटिकल फेस है वो है रटना कि चलो भैया आप बताओ कि क्या क्या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना है, कौन से ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएंगे डिस्क्लोजर करने से, गवर्नमेंट एंटिटीज का क्या क्या होगा. बस तो वो तो रटना पड़ेगा बेटा. अब डिपेंड करता है कि आप रटने में माहिर हो कि आप लॉजिक समझने में माहिर हो. अभी तक हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर वन पे आओ. क्वेश्चन नंबर वन पे आओ. एंटिटी पी लिमिटेड हैज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एस ए लिमिटेड, एस बी लिमिटेड, एस सी लिमिटेड. एंटिटी पी हैज अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एस ए, एस बी, एस सी लिमिटेड, ठीक है. एस सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एस बी लिमिटेड. अच्छा, तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है, एक पी है जिसमें एस ए और एस बी, ठीक है ना, मान लो 90% 80% और एस बी जो है वो एस सी 70%. बेटा ये तो सेम ग्रुप हो गया, ये तो चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है. पी लिमिटेड हैज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एसोसिएट ए एंड बी, ए वन एंड ए टू. अच्छा, पी लिमिटेड की दो एसोसिएट भी हैं, ए वन ए टू. अच्छा पहले तो मुझे बताओ मेंबर सेम ग्रुप कौन हो गया. सेम ग्रुप ये है, ये बेटा सेम ग्रुप है. तो सेम ग्रुप के किसी मेंबर के पास कोई एसोसिएट है क्या? हाँ. तो वो जो एसोसिएट होगी वो दूसरी एसोसिएट के साथ रिलेटेड नहीं होगी, पर वो एसोसिएट मेंबर ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड होगी. अच्छा, सब्सिडरी एस सी लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ए थ्री. अच्छा, एस सी का भी कोई है रिश्ता ए थ्री, ये एसोसिएट है, एसोसिएट है. तो बेटा ये जो ए थ्री है ये एस सी, एस बी, पी और एस ए सबके साथ रिलेटेड होगी, बट ये जो ए थ्री है ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे. तो ए वन, ए टू और ए थ्री आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे. अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामाइन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस एंटिटीज. वेरियस एंटिटीज का रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो सबसे बेहतर रहेगा कि हम एक टेबल बना के डिफाइन करते हैं. पी, एस ए, एस बी, एस सी, बाप रे बाप बड़ा हो जाएगा, ए वन, ए टू, ए थ्री. चल फिर पी, एस ए, एस बी, एस सी, ए वन, ए टू, ए थ्री. चलो बताओ बेटा, पीट का पी में तो कुछ होगा नहीं, पी और एस ए आपस में रिलेटेड पार्टी है, यस. एस बी के साथ पी रिलेटेड पार्टी है, एस सी के साथ रिलेटेड पार्टी है, ए के साथ रिलेटेड पार्टी है, ए टू के साथ भी है, ए थ्री के साथ भी है, सबके साथ है. क्योंकि ये जो एसोसिएट है ये ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ, सारे सेम ग्रुप में है मेंबर, सबके साथ रिलेटेड पार्टी होगी. अब ऐसे ऐसे पी के साथ है, अपने साथ तो होगी नहीं. एस बी, एस सी, ए, ए टू, ए थ्री, ये सबके साथ होगा, ठीक है. एस बी इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है. इसके साथ भी होगा, एस सी के साथ भी होगा, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये आपस में भी होंगे, ठीक है. एस सी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एक एसोसिएट ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड पार्टी होगा, बट आपस में एसोसिएट नहीं होंगे. तो ए वन पी के साथ होगा, एस ए से क्या उसका होगा, एस बी के साथ होगा, एस सी के साथ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा. एक, दो, तीन, चार, नहीं ये तो है ही नहीं, नहीं, एक, दो, तीन, चार, नहीं, नहीं ये तो है ही नहीं, ये वाला बन जाएगा, ठीक है. दिस इज वेरियस एंटिटी का रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स. ओके गाइस, दो तीन क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने, फिर बस हो जाएगा, लगभग लगभग हो जाएगा, बाकी तो डिस्क्लोजर पार्ट अपन कर ही लेंगे. पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा,
इतना नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ए लिमिटेड हैज बोथ ज्वाइंट कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड एंड ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर सी लिमिटेड। ओहो, ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड में ज्वाइंट कंट्रोल करती है और सी लिमिटेड में ज्वाइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है। वेरी गुड, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर टू, ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड में ज्वाइंट कंट्रोल होल्ड करती है और सी लिमिटेड में ज्वाइंट कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है? एग्जामाइन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी बन जाए तो उसके लिए रिलेटेड पार्टी कौन होगी? सर ए होगी, हाँ। सर बी होगी, हाँ, एंड बी लिमिटेड। एग्जामाइन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम, अगर बी एक रिपोर्टिंग एंटिटी है तो बी के लिए ए तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ गई, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमने सेकंड नंबर पॉइंट देख लिया था। एंड सी भी हो गई, क्योंकि एक एंटिटी के पास अगर ज्वाइंट वेंचर है और दूसरी सबसे एसोसिएट है या दोनों ज्वाइंट वेंचर है तो आपस में भी होंगे, को ज्वाइंट वेंचर्स या एक ज्वाइंट वेंचर एंड एक एसोसिएट आपस में होंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान हो गया ये तो केस। ये क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं बेटा। एक्स हैज एन इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। एक्स के पास एक इन्वेस्टमेंट है, एक्स के पास, अच्छा मिस्टर एक्स है यहां पर, पर्सन आ गया, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, पर यार ये बताया नहीं कि कितना इन्वेस्टमेंट है। चलो एग्जामाइन व्हेन कैन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए लिमिटेड और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी लिमिटेड। यार ये तो बताया नहीं कि एक्स के पास ए में और बी में कितना इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं, विल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बी रिलेटेड पार्टीज इफ एक्स हैज ओनली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ए एंड बी। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इफ एक्स हैज ओनली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट में पक्की बात है कि कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा। अब मैं बोलूं कि अगर एक्स का, मिस्टर एक्स का ए में कंट्रोल है और बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, या दोनों में कंट्रोल है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पार्टीज आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगी, ए के लिए बी, बी के लिए ए, दोनों रिलेटेड पार्टी होंगी। अगर इवन यहां ये भी सिचुएशन हो जाती तो कम से कम एक जगह तो कंट्रोल है ना, तो भी रिलेटेड पार्टी होंगी। और सेकेंड केस में वो पूछ रहा है कि अगर मिस्टर एक्स हैज ओनली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन बोथ, मतलब वो ऐसा बोल रहा है मिस्टर एक्स ए में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फिर क्या होगा सर? नो रिलेटेड पार्टी। सर अगर ऐसा होता तो मिस्टर एक्स ए उसका जॉइंट वेंचर होता और बी उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट होता, तो बेटा रिलेटेड पार्टी होता, क्योंकि चाहे कंट्रोल है चाहे ज्वाइंट कंट्रोल है कोई दिक्कत नहीं, रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल चाहे फुल हो चाहे पार्शियल हो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं जानता हूं, बट बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप अगर मेरा यही लेक्चर एक दो बार 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 देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, मिस्टर एक्स हैज 100% इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड। मिस्टर एक्स का ए लिमिटेड में 100% इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड। तो ए लिमिटेड के लिए मिस्टर एक्स बन गया रिलेटेड पार्टी,
ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ सी लिमिटेड. अच्छा, ये सी लिमिटेड में केएमपी की हैसियत रखता है. अच्छा जी, केएमपी की हैसियत रखता है, तो इसका मतलब सी लिमिटेड के लिए मिस्टर एक्स हो गया रिलेटेड पार्टी. सर क्या आपस में ए एंड सी भी रिलेटेड पार्टी होंगे? हाँ, ए एंड सी भी रिलेटेड पार्टी होंगे, क्योंकि एक जगह उसके पास 100% कंट्रोल है, उधर केएमपी है, तो वो कॉमन है, तो यहां पर सीधी बात है. अगर कॉमन एंटिटी, अगर आपस में कंट्रोलिंग एंटिटी, कॉमन कंट्रोल एंटिटीज है, तो वो रिलेटेड पार्टी होंगी. हमने पढ़ लिया है, वो पर्सन भी पढ़ लिया था. बी लिमिटेड हैज 100% इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड. ओ माई गॉड, बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड का 100% इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है. मतलब सी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड की. ये थोड़ा सा घुमा दिया यार. ठीक है, एग्जामिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी लिमिटेड फॉर ए लिमिटेड. क्या सी लिमिटेड और ए लिमिटेड दोनों के बीच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है कि नहीं? क्या दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, सी और ए? सर सी और है तो हुए. हाँ, सी और ए तो हुए, बिल्कुल हुए. सी और है, ए हुआ क्यों हुए? क्योंकि मिस्टर एक्स केएमपी है सी में और मिस्टर एक्स 100% कंट्रोल करता है ए में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जगह कंट्रोल है, तो यस रिलेटेड पार्टी हुए. एग्जामाइन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी लिमिटेड फॉर ए लिमिटेड इफ मिस्टर एक्स इज अ केएमपी ऑफ बी एंड नॉट सी लिमिटेड. ओ माई गॉड, अब वो बोल रहा है कि मिस्टर एक्स सी में तो कुछ भी नहीं होल्ड कर रहा, मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स इज केएमपी इन बी लिमिटेड. अब बताओ कि सी लिमिटेड और ए लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, बोलो बेटा. मिस्टर एक्स ए को तो 100% होल्ड कर रहे हैं अभी भी, पर मिस्टर एक्स का सी से कोई नाता नहीं है. मिस्टर एक्स बी में केएमपी है और बी के लिए सी जो है वो सब्सिडरी है. अगर मिस्टर एक्स केएमपी है बी का, तो डेफिनेटली सी का भी रिलेटेड पार्टी होगा. सर ये तो हमने शुरू से पढ़ लिया था पहले से ही. पर्सन में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर रिपोर्टिंग एंटिटी सी है, अगर मैं सी को एक रिपोर्टिंग एंटिटी मानूं, तो सी के लिए जो बी है, बी लिमिटेड, वो रिलेटेड पार्टी होगी. सी के लिए मिस्टर एक्स भी रिलेटेड पार्टी होगी. क्यों सर? बेटा मिस्टर एक्स इज द केएमपी ऑफ सीज पेरेंट. सी का पेरेंट कौन? बी. और मिस्टर एक्स इज द केएमपी ऑफ बी लिमिटेड. ठीक है, और सीधी बात है, अगर मिस्टर एक्स सी का रिलेटेड पार्टी है ड्यू टू केएमपी रिलेशनशिप, तो मिस्टर एक्स ए में भी होल्ड कर रहा है 100%, तो यहां पर डेफिनेटली ए के लिए भी, ए लिमिटेड के लिए भी वो रिलेटेड पार्टी होगी. क्यों सर? सिंस एक्स इज केएमपी ऑफ सीज पेरेंट, देयरफॉर एक्स एंड सी बोथ आर रिलेटेड, एंड एक्स रिलेटेड पार्टी इज A, तो देयरफॉर A एंड C बोथ आर रिलेटेड पार्टीज, तो यहां पर रिलेटेड पार्टीज होंगे ये दोनों आपस में. तीसरा पूछ रहा है, विल द आउटकम इन A एंड B वुड बी डिफरेंट इफ X हैज जॉइंट कंट्रोल ओवर A? अगर X का 100% कंट्रोल की जगह जॉइंट कंट्रोल हो गया, तो ओवरऑल केस में कोई डिफरेंट होगा क्या? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं होगा. चाहे कंट्रोल हो चाहे जॉइंट कंट्रोल हो, कोई दिक्कत नहीं. नो, आंसर इज नो. और लास्ट क्वेश्चन, विल द आउटकम इन A एंड B वुड बी डिफरेंट इफ द X has significant influence over A? हाँ, अगर X का significant influence होगा और X का C या B में तो KMP है, तो significant influence और KMP, मतलब कहीं पर भी control as per NDS नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर related party A और C आपस में नहीं होंगे, A and C आपस में related party नहीं होंगे. ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि मुझे आपको 5 से 7 मिनट देने चाहिए properly इस पूरा ओवरऑल चीज को गो थ्रू करने के लिए. आप एक काम करिए, अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, फिर अपन 5-7 मिनट बाद अपन आगे चलते हैं. ठीक है,
हाँ जी आइए बेटा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए नोट्स निकालिए और नोट्स से अपन जितना अपन ने अभी पढ़ा है वो मेन मेन पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन से। सबसे पहले स्टार्ट किया डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप सबसे पहले हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अदर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब वो एंटिटी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी की रिपोर्ट्स बना के डिस्क्लोज करेगी। क्लोज मेंबर और क्लोज फैमिली मेंबर्स ऑफ अ पर्सन, क्लोज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली या क्लोज फैमिली मेंबर्स के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, उसमें था सबसे पहले इट इंक्लूड्स क्या, चिल्ड्रन, पर्सन्स के चिल्ड्रन, मतलब दैट पर्सन्स चिल्ड्रन, स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। फिर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स डोमेस्टिक पार्टनर और डिपेंडेंट्स ऑफ दैट पर्सन और द पर्सन्स स्पाउस और द पर्सन्स डोमेस्टिक पार्टनर। ठीक, फिर हमने देखा पेरेंट जो कि होल्डिंग कंपनी होगी, कंट्रोल एज पर इंडियस 110, ज्वाइंट कंट्रोल एज पर 111। उसके बाद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो हमें हमने देखा था कि इंडियस 28 के अकॉर्डिंग 20% या उससे ज्यादा होता है। फिर हमने देखा की मैनेजमेंट पर्सनल, हाँ की मैनेजमेंट पर्सनल हमने देखा था कि कोई भी कंपनी का ऑफिसर, कोई भी इंप्लॉय, नॉट नेसेसरी कि कोई डेजिग्नेशन होल्ड करता हो, बट उसमें उसके पास तीन चीजें होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तीन चीजों की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है ना, द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी क्या, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग क्या, द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर। ठीक है, यहां हमने देखा था कि यहां पर कोई डेजिग्नेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे आए थे कि दो टाइप से हम डिफाइन करेंगे रिलेशनशिप्स को, सबसे पहले एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा हम डिफाइन करेंगे एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम आए थे सबसे पहले टाइप वन, रिलेशन इन रिलेशन टू अ पर्सन। पर्सन के रिलेशन में हमने सबसे पहले देखा था, आप ध्यान से मेरे नोट्स को देखते हुए जाइए, टाइप वन इन रिलेशन टू अ पर्सन, उसमें आपको दो चीजें मिलेंगे, ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए जो हमने नॉर्मली देखा था कि पर्सन या उसका कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर के पास अगर कंट्रोल है किसी एंटिटी में, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ज्वाइंट कंट्रोल है, या फिर वो की मैनेजमेंट पर्सनल है, तो वो और उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स क्या बन जाएंगे, उस रिपोर्टिंग एंटिटी के क्या बन जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। अगर किसी रिपोर्टिंग एंटिटी में किसी पर्सन का कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल कब आएगा, जनरली कंट्रोल आएगा 50% से ज्यादा शेयर्स होने पर। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जनरली 20% उससे ज्यादा पर, ज्वाइंट कंट्रोल है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के थ्रू होगा, या फिर वो पर्सन जो है या उसका कोई फैमिली मेंबर जो है वो केएमपी है, अगर उस कंपनी में केएमपी है, क्या है, केएमपी है अगर रिपोर्टिंग एंटिटी में, या फिर वो केएमपी है रिपोर्टिंग एंटिटी के पेरेंट कंपनी का भी, तो भी वो यहां पर रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। केएमपी से एक और बात ध्यान दीजिएगा, हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर एक व्यक्ति दो अलग अलग कंपनीज में कॉमन केएमपी है, दो अलग अलग कंपनीज में कॉमन केएमपी है, तो ये इसका मतलब नहीं हो जाएगा कि मैं क्योंकि दो अलग अलग कंपनीज में कॉमन केएमपी हूं तो मैं बन जाऊंगा, सॉरी वो दोनों बन जाएंगे आपस में रिलेटेड एंटिटीज, रिलेटेड पार्टीज नहीं बनेंगी, वो हमने देखा था आगे चल के। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स देखे। बी नंबर पॉइंट जो मैंने आपको मेनली बताया था, ऑल्सो इफ अ पर्सन इज हैविंग कंट्रोल, देखो क्या लिखा है, ऑल्सो इफ अ पर्सन इज हैविंग कंट्रोल इन एनी वन एंटिटी एंड कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और ज्वाइंट कंट्रोल और केएमपी इन अनदर एंटिटी, देन बोथ द एंटिटीज शैल बी रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक जगह कंट्रोल है, दूसरी जगह कंट्रोल है, या दूसरी जगह ज्वाइंट कंट्रोल है, या दूसरी जगह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या दूसरी जगह मेरा मैं केएमपी हूं, पर एक जगह कंट्रोल होना जरूरी है, दोनों में से किसी एक जगह कंट्रोल होना जरूरी है, तो वो दोनों एंटिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, वो दोनों एंटिटीज आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी। सर दोनों में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, नहीं होगा, दोनों में मैं केएमपी हूं कॉमन केएमपी, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स आप देखते जाइएगा साथ साथ। फिर आते हैं अपन टाइप टू इन रिलेशन टू अनदर एंटिटी। चलिए हमने टाइप टू में क्या क्या पढ़ा उसको हम देखते जाते हैं। इन रिलेशन टू अनदर एंटिटी, टाइप टू इन रिलेशन टू अनदर एंटिटी, अब पर्सन से रिलेशन में नहीं है, अब एंटिटी के रिलेशन में। सबसे पहले हमने पढ़ा था
मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप. सबसे पहले हमने पढ़ा था सेम ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट और उसके सब्सिडरीज, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ग्रुप में नहीं आएंगे. तो अगर सेम ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर्स हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. क्या लिखा है? द एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, द एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी आर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप. एक एंटिटी और दूसरी रिपोर्टिंग एंटिटी, वो दोनों सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, विच मींस दैट ईच पेरेंट सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी इज रिलेटेड टू द अदर्स. नोट, मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप हेयर ओनली मींस पार्ट पेरेंट एंड ऑल सब्सिडरीज, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर्स शैल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप. ठीक है, ये हमने देखा था फर्स्ट वाला केस, ये हमने देखा था फर्स्ट वाला केस. नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिएगा आप. नेक्स्ट, वन एंटिटी इज एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ अनदर एंटिटी. सिंपली एक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है जे लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का एसोसिएट कंपनी है ए लिमिटेड. तो अगर मेरी कोई एसोसिएट कंपनी है, रिपोर्टिंग एंटिटी की कोई एसोसिएट कंपनी है, या एसोसिएट या फिर किसी और के लिए मैं इन्वेस्टर हूं और वो मेरे लिए एसोसिएट कंपनी है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी. मैं किसी का एसोसिएट कंपनी हूं या मेरी कोई एसोसिएट कंपनी है, तो हम दोनों हो जाएंगे रिलेटेड पार्टी. मैं किसी का ज्वाइंट वेंचर हूं या मैंने किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोला है, तो हम दोनों बन जाएंगे क्या बन जाएंगे हम दोनों बन जाएंगे कौन? हम दोनों बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज. ठीक है ना? इसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके एक ज्वाइंट वेंचर खोलते हैं एक्स लिमिटेड, ये जेवी है, तो यहां पर एक्स और ए लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज होंगे और एक्स और बी लिमिटेड यहां पर रिलेटेड पार्टीज होंगे, बट ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे. को वेंचरर्स कैन नॉट बिकम अ रिलेटेड पार्टीज, को एसोसिएट्स और को वेंचरर्स. चलिए एग्जाम्पल में बेटा सब कुछ लिखा हुआ है बी नंबर पॉइंट के, ठीक है ना? अब नेक्स्ट चलते हैं सी नंबर पॉइंट. इफ अ मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, हाँ, एक ही ग्रुप में जितने मेंबर्स होंगे वो तो सारे पेरेंट और सब्सिडरी होंगे. अब उसमें से अगर किसी भी एक मेंबर की कोई एसोसिएट कंपनी है, क्या है? एसोसिएट कंपनी है, या किसी भी एक कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है, तो वो पर्टिकुलर ज्वाइंट वेंचर या वो पर्टिकुलर एसोसिएट कंपनी सारे मेंबर्स की रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, सारे मेंबर्स की रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल पेरेंट का रहेगा और पेरेंट का अगर अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा तो वो रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इसमें हमने एग्जाम्पल किया था, याद होगा आपको. अगर ए लिमिटेड के दो सब्सिडरीज हैं, बी लिमिटेड सी लिमिटेड, 90% 80%, ठीक है ना? बी लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है 70% ई, और इसकी भी एक और सब्सिडरी है 60% एफ. अब एफ की कोई एसोसिएट कंपनी है, एफ की कोई एसोसिएट कंपनी है, तो पहले बात तो ग्रुप में आ जाएंगे ये लोग. एसोसिएट कंपनी है, मान लीजिए इसमें है 25%, तो जो ये ए लिमिटेड होगी ना, और ई की भी मान लीजिए कोई एसोसिएट कंपनी है, ठीक है ना, पी लिमिटेड इसमें उसका 30% शेयर है, ये है एसोसिएट और ये भी है एसोसिएट. तो बेटा आपस में ये एसोसिएट रिलेटेड ना होके बस ये ए लिमिटेड बाकी सबके साथ पूरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ रिलेटेड होगा, और ये पी लिमिटेड भी सारे ग्रुप के मेंबर्स के साथ रिलेटेड होगा, बट एसोसिएट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे. सी नंबर पॉइंट, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप शैल बी रिलेटेड पार्टी विद सच एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स, बट प्लीज नोट दैट को एसोसिएट कंपनीज एंड को एसोसिएट कंपनीज और को वेंचर कंपनीज Shall never be related parties. Clear बेटा? आगे ये आपको examples दिए हुए हैं. Next point number D. If any entity is common in two joint ventures, हाँ, एक मैंने किसी के साथ मिलकर एक joint venture खोला, मैंने किसी और के साथ मिलकर एक और joint venture खोला, दोनों ज्वाइंट वेंचर आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे. मैंने किसी के साथ वेंचरर के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर खोला, मैंने किसी और वेंचरर के साथ मिलकर एक नया ज्वाइंट वेंचर खोला, वो दोनों ज्वाइंट वेंचर्स आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे. को वेंचरर्स रिलेटेड पार्टी नहीं होते, बट को ज्वाइंट वेंचर्स मतलब ऐसे ज्वाइंट वेंचर्स जिनका वेंचरर कॉमन है ऐसे दो ज्वाइंट वेंचर्स जिनके अंदर वेंचरर्स आर कॉमन,
तो वो आपस में ज्वाइंट वेंचर्स रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे क्योंकि दोनों में कंट्रोल है। ठीक है, डी नंबर पॉइंट। फिर अपन ने पढ़ा था लास्ट वाला ये ई नंबर पॉइंट, ई के बाद मैंने आपको नहीं पढ़ाया ई नंबर पॉइंट। वन एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ थर्ड एंटिटी, ठीक है, एंड द अदर एंटिटी इज एन एसोसिएट ऑफ एंटिटी थर्ड एंटिटी। वन एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ थर्ड एंटिटी एंड अदर एंटिटी इज एन एसोसिएट ऑफ थर्ड एंटिटी। सर ये क्या लिखा है सर? बेटा कुल मिला के तीन कंपनीज है, ए बी सी, ए बी सी। जो बी है वो ए की एसोसिएट है और जो सी है वो ए की ज्वाइंट वेंचर है, वो ऐसा बोल रहा है। वन एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ थर्ड एंटिटी, एक थर्ड एंटिटी है ए लिमिटेड, उसकी ज्वाइंट वेंचर, और दूसरी जो कंपनी है सी लिमिटेड वो उस फर्स्ट वाली एंटिटी की थर्ड मतलब जो जो मेन कंपनी है थर्ड वाली एंटिटी उसकी जो एसोसिएट है। शायद मैंने बताया था आपको ए बी सी, ठीक है ना, ये जेवी है और ये एसोसिएट है, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। अब तो बी और ए भी रिलेटेड पार्टी तो ऑलरेडी हैं पॉइंट नंबर टू के अकॉर्डिंग, सी और बी भी पॉइंट नंबर टू के अकॉर्डिंग, और बी और सी भी हो जाएंगे क्योंकि एक एसोसिएट है और एक ज्वाइंट वेंचर है, एक एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर है, मतलब एक में कंट्रोल है और एक में सिर्फ एसोसिएट है, चलेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो वन एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ थर्ड एंटिटी एंड द अदर एंटिटी मतलब सेकंड एंटिटी इज एसोसिएट ऑफ द थर्ड एंटिटी। इट मींस एन एंटिटी हैज एन एसोसिएट कंपनी एंड अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी, देन बोथ द एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर विल बी रिलेटेड पार्टी विद ईच अदर। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है साफ लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा लास्ट नंबर पॉइंट एफ। चलिए जितना रिविजन होना था हो गया, लास्ट नंबर पॉइंट एफ। इफ एन एंटिटी इज एसोसिएट कंपनी हैज सब्सिडरी कंपनी देन सच सब्सिडरी शैल बी रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी। ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया, ये एक छोटा सा स्पेशल केस है बेटा। फिर से पढ़ते हैं, इफ एन एंटिटी इज एसोसिएट कंपनी, एंटिटी की एसोसिएट, अच्छा ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है बी लिमिटेड, ये एसोसिएट कंपनी मान लो 40% होल्ड कर रहे हैं ए लिमिटेड, ये दोनों तो आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। तो इफ द एंटिटीज एसोसिएट हैज सब्सिडरी, अब इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है सी लिमिटेड 90%, ये एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड, तो क्या ए और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगे? ए और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज होंगे, हां कि नहीं? यस yes. रिलेटेड पार्टीज, ए और सी आपस में रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे, ए की एसोसिएट कंपनी बी, बी की सब्सिडरी कंपनी सी, तो सी और ए आपस में बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। आगे क्या लिखा है, हाउएवर इफ द एंटिटीज एसोसिएट कंपनी मतलब इसी बी के पास क्या है, हैज जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, देन सच जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज ऑफ एंटिटीज एसोसिएट शैल नॉट बी रिलेटेड पार्टी टू द एंटिटी। अब बी के कुछ और भी हैं वेंचर्स, एक डी लिमिटेड है जो कि जेवी है और एक ई लिमिटेड है जो कि एसोसिएट है। ए लिमिटेड बी में इन्वेस्ट कर रहा है 40%, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, बी का सब्सिडरी है सी, अब सी और ए आपस में रिलेटेड पार्टीज हो गए, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ए लिमिटेड और डी लिमिटेड आपस में रिलेटेड हुए कि नहीं, और ए लिमिटेड और ई लिमिटेड आपस में रिलेटेड हुए कि नहीं, डी और ई दोनों ए से रिलेशन में हुए कि नहीं? नो सर, डी और ई आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि एक कंपनी की एक ज्वाइंट वेंचर और एक एसोसिएट, अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट नंबर ई पढ़ा था वो हो सकते हैं, पर यहां पर पूछ रहा है कि ए लिमिटेड के लिए डी और ए के लिए ई, मतलब मेरे किसी सब्सिडरी की एसोसिएट तो चलता है वो हमने यहां पर देख लिया था, पर यहां है मेरे एसोसिएट की एसोसिएट इज नॉट माय रिलेटेड पार्टी, मेरे एसोसिएट का एसोसिएट इज नॉट रिलेटेड पार्टी टू मी, मेरे एसोसिएट का जॉइंट वेंचर इज नॉट रिलेटेड पार्टी टू मी, मेरे एसोसिएट का सब्सिडरी हां इट कैन बी रिलेटेड पार्टी, क्योंकि मेरा जो एसोसिएट है वो सामने तीसरी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा है और मैं अपने एसोसिएट के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सब्सिडरी में भी होगा, मतलब ये इनडायरेक्ट एसोसिएट है, ये इनडायरेक्ट एसोसिएट है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है,
गाइस क्लियर है कि नहीं? चलो एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, ये आर वाला एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा जल्दी। अब हम इतने सारे रिलेशंस डिफाइन कर चुके हैं, आपको याद कैसे करना है? आपको दो तरीके से याद, दो अलग अलग तरीके से याद करना है। सबसे पहले तो आप सबसे पहले रिलेशनशिप याद करने के लिए क्या सोचोगे कि रिलेशनशिप्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? रिलेशनशिप्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अदर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट थे सिर्फ। कौन से दो पॉइंट थे? एक तो पर्सन, अगर पर्सन के पास कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ज्वाइंट कंट्रोल है, या फिर वो केएमपी है, या तो रिपोर्टिंग एंटिटी के पेरेंट का केएमपी है, तो वो बन जाएगा और उसके मेंबर्स बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। या फिर एक पर्सन के पास कंट्रोल है एक एंटिटी में और दूसरी एंटिटी में उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल या केएमपी है, या उसके पेरेंट का केएमपी है, तो वो दोनों एंटिटीज आपस में बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। फिर हमने देखा था इन रिलेशन टू अदर एंटिटीज, तो उसमें हमने 6 केसेस देखे। पहला, सेम ग्रुप, मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप आपस में रिलेटेड पार्टीज। दूसरा, हमारी एसोसिएट या हमारी ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टीज हम दोनों। तीसरा हमने देखा था कि हमारे सेम ग्रुप के किसी एक मेंबर के पास कोई एसोसिएट है या कोई ज्वाइंट वेंचर है, तो वो एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। फिर हमने चौथा देखा था कि एक एंटिटी दो अलग अलग ज्वाइंट वेंचर्स में कॉमन है, तो वो दो अलग अलग ज्वाइंट वेंचर्स आपस में रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। फिर हमने पांचवा देखा था कि एक एंटिटी के पास एसोसिएट है और उसी एंटिटी के पास एक ज्वाइंट वेंचर भी है, तो आपस में एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर भी हो जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। इसके बाद हमने देखा था कि को एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, को वेंचरर्स रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, को केएमपीस रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, ये हमने देखा था। लास्ट हमने केस देखा था कि मेरे एसोसिएट का सब्सिडरी मेरा रिलेटेड पार्टी होगा, मेरे एसोसिएट का एसोसिएट या एसोसिएट का ज्वाइंट वेंचर रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। चलिए, तो ये हमने देख लिया ओवरऑल। अब हम आते हैं दो स्पेशल केसेस पर, सम स्पेशल केसेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, मतलब दो और ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो माने जाएंगे रिलेटेड पार्टी में। पहला, द एंटिटी इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, द एंटिटी इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईदर द रिपोर्टिंग एंटिटी और एन एंटिटी रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज इटसेल्फ सच अ प्लान, द स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। चलो उसको डिफाइन करते हैं, कैसे बोल रहा है ये बोल रहा है द एंटिटी इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। एक एंटिटी है टी लिमिटेड, बेसिकली ये ट्रस्ट है जिसको क्रिएट किया गया है इंफोसिस लिमिटेड ने एक ट्रस्ट बनाया है अपने एम्प्लॉयज के लिए। इंडियस 19 हमने पढ़ा था ना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अगर डिफाइंड बेनिफिट्स होते हैं तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है, अलग से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसमें, मैंने आपको बताया था। तो इंफोसिस लिमिटेड ने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ट्रस्ट बना लिया जिसको बोल रहा है वो टी लिमिटेड, या लिमिटेड नहीं भी होगी तो वो कोई ट्रस्ट होगी, वो हो सकता है कोई सोसाइटी हो, और इट मे बी अ सोसाइटी। तो क्या लिखा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पढ़ो, वो पढ़ो पॉइंट, द एंटिटी इज द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ इधर रिपोर्टिंग एंटिटी। ये जो एंटिटी है ना, ये मान लो रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए दूसरी वाली एंटिटी एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान की तरह काम आ रही है, तो ये दोनों आपस में बन जाएंगी रिलेटेड पार्टीज। यहां क्या बोला है, पोस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईदर द रिपोर्टिंग एंटिटी और एन एंटिटी रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब मान लो इंफोसिस की सब्सिडरी है मान लो बी लिमिटेड, कौन है ये सब्सिडरी, और इसके भी जो एम्प्लॉयज है ना, इसके एम्प्लॉयज के लिए भी यही फंड बनाया गया, और इंफोसिस के एम्प्लॉयज के लिए भी यही फंड बनाया गया। तो इसका मतलब अगर ये कंपनी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का काम कर रही है अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए या फिर अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी के किसी भी रिलेटेड पार्टी के लिए, वो सारी रिलेटेड पार्टीज जो हमने ऊपर 6 पॉइंट्स पढ़े हुए, मतलब ये टी लिमिटेड इंफोसिस की सब्सिडरीज का भी काम कर रही है,
एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का काम कर रही है, ये टी लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी और उसके रिलेटेड पार्टीज का एम्प्लॉयज के लिए भी काम कर रही है, तो यहां पर ये बन जाएगी रिलेटेड पार्टी। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज इटसेल्फ सच अ प्लान, अच्छा अब रिपोर्टिंग एंटिटी अगर अपने आप में, अगर अब ये अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, अब हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग एंटिटी ये है प्लान, प्लान द स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो इसके जो एम्प्लॉयर्स होंगे जिन्होंने स्पॉन्सर किया मतलब इंफोसिस, अरे यार वाइज वर्सा बता दिया है कि अगर मैं एक रिपोर्टिंग एंटिटी हूं और मैं एक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान हूं, तो मेरा जो जो स्पॉन्सर एम्प्लॉयर है दूसरी कंपनी वो मेरा रिलेटेड पार्टी होगा, और अगर मैं रिपोर्टिंग एंटिटी हूं पर मैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान नहीं हूं, कोई दूसरी कंपनी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है जो कि हमारे एम्प्लॉयज के लिए काम कर रही है, ठीक है ना, और इवन हमारे रिलेटेड पार्टी रिलेटेड एंटिटीज के एम्प्लॉयज के लिए भी काम कर रही है, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान वाली कंपनी है वो हमारे सारे सभी कंपनीज की रिलेटेड पार्टीज हो जाएगी जिस जिस एम्प्लॉयज के लिए वो कर रही है, तो कुल मिला के ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। आगे नेक्स्ट केस, द एंटिटी और एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ विच इट इज अ पार्ट प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज टू द रिपोर्टिंग एंटिटी और टू द पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, फिर से पढ़ते हैं, द एंटिटी और एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ विच इट इज अ पार्ट प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, इसको कैसे समझोगे, ए लिमिटेड ये एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी है, और यहां एक ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें बी लिमिटेड एक पैरेंट है, इसके सी लिमिटेड एक सब्सिडरी है, डी लिमिटेड एक सब्सिडरी है, ये तो ग्रुप बन गया। The entity or any member of a group of which it is a part provides key management personal services to the reporting entity. एक entity, अगर वो key management personal service देती है, एक entity या उसके group में कोई दूसरा, अगर वो key management personal service दे रही है, key management personal services मतलब वो उनको planning, controlling, directing करना सिखा रही है, ये सी लिमिटेड ए लिमिटेड को प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करना सिखा रही है, की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दे रही है, सी लिमिटेड दे रही है, तो सी लिमिटेड डी लिमिटेड बी लिमिटेड ये तीनों बन जाएंगे ए लिमिटेड के रिलेटेड पार्टीज। द एंटिटी और एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ विच इट इज अ पार्ट प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज टू द रिपोर्टिंग एंटिटी और टू द पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब इसका भी एक सब्सिडरी कंपनी है पी लिमिटेड, सॉरी ये पेरेंट कंपनी है और ये सब्सिडरी है अपने पेरेंट का, तो फिर से बोल रहा हूं, आप सिंपली उसको ऐसा ले सकते हो कि अगर एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दे रही है या फिर उसके पेरेंट को पर्सनल सर्विसेज दे रही है, मैं फिर से बोलूं अलग अलग केसेस बना रहा हूं, अगर मेरी कंपनी दूसरी कंपनी बाहर के ग्रुप की कंपनीज को की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दे रही है तो ये हो गया भैया रिलेटेड पार्टीज। चलो दूसरा, अगर मेरी कंपनी दूसरी कंपनी को की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस दे रही है तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज होंगी वो भी मेरी रिलेटेड पार्टीज होंगी। आई बात समझने की नहीं, अच्छा मेरी कंपनी की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दे रही है दूसरी कंपनी को तो हमारा पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी हो जाएगा उस कंपनी का। अब आया समझ में, तो चाहे ग्रुप हो पूरा ग्रुप हो या फिर सिंगल हो, अगर की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज हमें कहीं बाहर से आ रही हैं तो उस बाहरी पूरे ग्रुप को हमारा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, या फिर हमारे पेरेंट को वो सर्विस जा रही है तो हम भी उसमें आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे और हम भी बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। देखते हैं, ए लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी विद थ्री सब्सिडरीज बी सी डी, इट ऑल्सो हैज एन एसोसिएट कंपनी ई लिमिटेड, ठीक है, सब्सिडरी एफ लिमिटेड ऑफ ई लिमिटेड प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज टू ए लिमिटेड, बना के देखें,
ए लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी विथ थ्री सब्सिडरीज. ए एक पेरेंट है, इसकी तीन सब्सिडरीज है, बी सी डी, बी सी डी, सब्सिडरी सब्सिडरी सब्सिडरी, ठीक है. इट ऑल्सो हैज एन एसोसिएट कंपनी ई लिमिटेड, ई लिमिटेड, ठीक है. ए की एक और कंपनी है ई लिमिटेड, ए की एक और कंपनी है ई लिमिटेड, ये कौन है, एसोसिएट कंपनी, ठीक है. ये कौन है, एसोसिएट कंपनी, ये कौन है, एसोसिएट कंपनी. सब्सिडरी एफ ऑफ ई लिमिटेड, अब इस ई लिमिटेड की कोई एफ, ये सब्सिडरी, सब्सिडरी एफ ऑफ ई लिमिटेड प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस टू ए. अब ये जो है ना, ये ए को की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस दे रही है, ये कंपनी ए को की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस दे रही है, तो ये एफ लिमिटेड ए लिमिटेड आपस में बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज, ए एंड एफ, ठीक है ना. एफ इज इन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद द ए. अब वो दे किसको रही है, ए को, तो अब अल्टीमेटली एफ जो होगी वो ए बी सी डी तीनों के साथ रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी, और ई का तो वो रिलेटेड पार्टी है ही सही. मतलब अगर मैं की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस पेरेंट को दे रहा हूं तो उसके सारे सब्सिडरीज भी मेरे रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे, और ये तो मेरा वैसे भी रिलेशनशिप डायरेक्ट है, मैं तो इसका सब्सिडरी हूं. तो अगर मैं की मैनेजमेंट पर्सनल दे रहा हूं किसी कंपनी को और वो कंपनी पेरेंट कंपनी है, तो पेरेंट की सारी सब्सिडरीज भी मेरी रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी. पर अगर मैं की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस दे रहा हूं सब्सिडरी को, तो उसका पेरेंट या उसके फेलो सब्सिडरीज, उसका पेरेंट या उसके फेलो सब्सिडरीज मेरे रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो बेटा ये सारे स्पेशल केसेस हैं, तो दो स्पेशल केसेस अपने को करने, एक तो पोस्ट एम्प्लॉय मतलब इंडिया 15 वाला पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स के लिए जो ट्रस्ट बनाई गई है वो रिलेटेड पार्टी होगी, दूसरा की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज अगर दी जा रही है तो, ठीक है. अब यहां ये नहीं बोला है कि फ्री में, की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दे रहा हूं, अब वो कैसे भी दे रहा हूं, ठीक है. चलिए अब कुछ पॉइंट्स उल्टे, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स होने के बावजूद आपको रिपोर्ट नहीं करना है और उनको इंड एस 24 से बाहर रखा गया है. मतलब ये कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, ए बी सी, तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां हम पढ़ने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप्स को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स नहीं माना जाएगा, मतलब एक्सेप्शंस, तीन चीजें एक्सेप्शन कैटेगरी में आ गई, तीन चीजें एक्सेप्शन कैटेगरी में आ गई, ठीक है बेटा, तीन चीजें एक्सेप्शन कैटेगरी में आ गई कि ये तीन चीजें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं आएंगी. पहला कौन सा, नो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, द स्टैंडर्ड क्लैरिफाइज दैट सर्टेन रिलेशनशिप्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, मतलब हो सकता है वो रिलेशनशिप हो आपस में बट उसको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, और अगर वो नहीं माना जाएगा तो उसका रिपोर्टिंग भी नहीं होगा, उसका डिस्क्लोजर भी नहीं होगा. पहला, टू एंटिटीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर और अदर मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल इन कॉमन. मैंने आपको ये केस पहले से ही क्लियर कर लिया था कि मिस्टर ए इज केएमपी ऑफ ए लिमिटेड एंड केएमपी ऑफ बी लिमिटेड, तो बी और ए आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, कॉमन केएमपी. तो टू एंटिटीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर और अदर मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल इन कॉमन, और बिकॉज अ मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ वन एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर एंटिटी. अच्छा, मिस्टर ए केएमपी है ए लिमिटेड में और 40% शेयर करता है बी लिमिटेड में, तो भी भले यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ, किसी एक जगह कंट्रोल होना जरूरी है इन दोनों पार्टीज का रिलेटेड पार्टी होने के लिए, तो ये भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं आएगा, ठीक है. पर सर अगर ऐसा है कि मिस्टर ए केएमपी है ए लिमिटेड का और दूसरी जगह वो कंट्रोल करता है या फिर ज्वाइंट कंट्रोल करता है बी लिमिटेड में, तो सर हाँ अब ये रिलेटेड पार्टी होगा, वो हमने ऊपर ही देख लिया था पर्सन में, ठीक है. आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए.
जल्दी जल्दी एग्जाम्पल पढ़ लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी अपन कवर कर चुके हैं। वैसे टू वेंचरर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी सिंपली बिकॉज दे शेयर कॉमन कंट्रोल ओवर अ जॉइंट वेंचर। मैंने आपको बताया था कि को एसोसिएट्स को वेंचरर्स कैन नॉट बी रिलेटेड पार्टीज। को जॉइंट वेंचर्स जिसमें कॉमन एंटिटी वेंचरर है, हाँ वो रिलेटेड पार्टी होगा। ऊपर हमने देख लिया तो टू वेंचरर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी। अरे भाई दो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मिलकर ज्वाइंट वेंचर ओपन किया है तो दो इन्वेस्टर आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। वो तो अपनी अपनी बातें एक दूसरे से थोड़ी शेयर करेंगे यार, ऐसा थोड़ी कि वो इंपैक्ट पड़ सकता है। हाँ नहीं। अब सी नंबर पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मतलब बैंक जिससे मैंने लोन लिया है या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी जिससे हमने लोन लिया है वो हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। सर पर वो इन्फ्लुएंस तो कर सकता है पर वो पूरी तरीके से हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कुछ हद तक कर सकता है। तो प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को दूर रखा गया है। ट्रेड यूनियंस, हाँ ट्रेड यूनियंस जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियन मतलब जो पूरा मेंबर्स होते हैं जिनसे सारे सारे बिजनेस एक पर्टिकुलर मान लीजिए जैसे बाजार है एक मार्केट है जिसमें 100 दुकानें हैं, ठीक है ना। मैं आपको छोटे लेवल पे बता रहा हूं तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 100 दुकानें हैं तो 100 के 100 मेंबर्स ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई। अब जो 100 के 100 लोगों ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई है तो मान लो ट्रेड यूनियन जो बोलेगी उसकी बात माननी पड़ेगी, दुकान बंद रखनी है तो रखनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में ट्रेड यूनियन हमारी कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। तो आप उस तरीके से समझ सकते हो कि ट्रेड यूनियन कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होते। आगे पब्लिक यूटिलिटीज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, बेसिकली पब्लिक यूटिलिटीज और रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगी। डिपेंडेंट एंड एजेंसीज ऑफ अ गवर्नमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, कुल मिला के गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट एंटिटीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट की एजेंसीज हमारी रिलेटेड पार्टीज नहीं हो सकती। भले गवर्नमेंट का 60% पोर्शन इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने 100% इन्वेस्टमेंट किया है हमारी कंपनी में, तो भी गवर्नमेंट को हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। दैट डज नॉट कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी आर नॉट रिलेटेड पार्टी सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग्स विद द एंटिटी इवन दो दे मे अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ द एक्सटर्न ऑफ एन एंटिटी और पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट रिफर्स टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज सिमिलर बॉडीज वेदर नेशनल लोकल और इंटरनेशनल। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट दोनों आ जाएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट बॉडीज भी आ गया मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह। आगे अ गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड ज्वाइंटली कंट्रोल्ड और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसको गवर्नमेंट चला रही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर एसोसिएट है, उसको गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर डी बच गया एक, अ कस्टमर सप्लायर फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटर जनरल एजेंट विद हुम एन एंटिटी ट्रांजैक्ट्स अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ द रिजल्टिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ये भी बेटा आपका रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए लिमिटेड अपना पूरा रॉ मटेरियल सेल करता है बी लिमिटेड को, या अपना मेजर सेल उसका बी लिमिटेड को होता है, बाकी छोटा मोटा सेल छोटा ठीक है ना सेल वो अदर एंटिटीज को करता है, उसका मेजर सेल्स बी लिमिटेड को होता है। अब बी लिमिटेड के साथ उसका मेजर सेल्स होता है तो इसका मतलब ए लिमिटेड का जो मेजर रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कौन कहां से आता है? बी लिमिटेड से।
तो उसका बी लिमिटेड एक ऐसा कस्टमर हो गया जो शायद ए को इन्फ्लुएंस कर सकता है. ए उसको बोलेगा, बी जो है वो ए के डायरेक्टर्स को बोलेगा बैठो, तो उसको बैठना पड़ेगा. उनको प्राइजेस में नेगोशिएशन में हो सकता है ज्यादा कुछ करना पड़े. तो भी यहां पर बिजनेस रिलेशनशिप के कारण हो रहा है ये रिलेशन, तो इसीलिए इसको रिलेटेड पार्टी से बाहर रखा गया है. याद रखिएगा, इसको किससे बाहर रखा गया, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से बाहर रखा गया. वैसे ही ए जहां से माल परचेज करता है वो एकमात्र डीलर है मान लो, और अगर ए ने वहां से माल परचेज बंद कर करना बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ए का बिजनेस बंद हो जाएगा. तो भी तो सप्लायर्स और कस्टमर्स और उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे हमारे रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते, भले हमारा कितना भी वॉल्यूम उनके साथ होता है. ठीक है, चलिए बेटा. सो मेन हमने कर लिया रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को, हमने मोटा मोटा समझ लिया है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीजें कवर होंगी, क्या क्या नहीं होंगी. अब हम इन डेज 24 के 75% पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना. अब बस क्विकली होता जाएगा कि अब हमें बस ये पढ़ना है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब इस इंडिया 24 में रिलेशनशिप्स को अगर डिफाइन कर दें तो अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी. सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. सर, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो सेल का हो, चाहे परचेज का हो, चाहे लोन देना, चाहे लोन लेना, चाहे एसेट बेचना, चाहे एसेट खरीदना, चाहे पैसा लेना, चाहे पैसा देना, चाहे इन्वेस्टमेंट करना, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, चाहे वो कंसिडरेशन में हो, चाहे वो कंसिडरेशन के बिना हो, चाहे वो फेयर वैल्यू पे हो, चाहे वो फेयर वैल्यू में ना हो, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टीज के बीच में होगा, इतनी सारा हमने रिलेशनशिप अभी ढूंढा ना, तो अगर उन आपस में उन कंपनीज में अगर होगा कोई भी ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज, ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज्ड, चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी ट्रांजेक्शन को माना जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, चाहे वो प्रॉपर कंसिडरेशन में हो, चाहे वो प्रॉपर कंसिडरेशन में ना हो. बस वो रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है, ट्रांजेक्शन की लिस्ट है बेटा, लिस्ट एक बार पढ़ लीजिए, कॉमन लिस्ट है, आपको ये कोई रटने की जरूरत नहीं है. अगर आपने जितने भी याद हो पाए आपको वो सब आप कर लेना. उसमें जो सबसे लास्ट वाला बोला गया है वो इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग फॉर डेप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको याद रख लीजिएगा ये, क्योंकि बोल्ड में दिया हुआ था इंस्टीट्यूट की बुक में, तो ये लास्ट वाला याद कर लीजिएगा, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज का डेप्यूटेशन जो होता है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो चलते हैं, उसको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोला गया है, चाहे उसमें, मैंने बोला ना, चाहे उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी कंसीडरेशन टू बी पास फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ऑल्सो पार्टिसिपेशन बाय द पेरेंट और सब्सिडरी इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान दैट शेयर रिस्क बिटवीन ग्रुप एंटिटीज इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज. अगर हम कोई डिफाइंड बेनिफिट प्लान में साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं और मेरी सब्सिडरी एक ही कंपनी में रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम दोनों उसके रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे. ठीक है, वो हम दोनों के मतलब रिलेटेड पार्टी तो ऑब्वियसली है, तो वो जो ट्रांजेक्शन हमने किया उसमें वो माना जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ठीक है सर. हाँ जी सर, अब क्या पढ़ना है सर? अब बस हमें लास्ट पॉइंट ये पढ़ना है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स जो हमने अभी डिफाइन किए, चाहे पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी दूसरी एंटिटी से रिलेटेड हो, जितने भी हमने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप डिफाइन किए हों, उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का डिस्क्लोजर कैसे होगा, और उन रिलेशनशिप में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, चाहे कोई ट्रांजेक्शन में कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो चाहे नहीं हो, उन ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर, उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का डिस्क्लोजर कैसे किया जाएगा. डिस्क्लोजर करने के लिए दो कैटेगरी सेट की गई है, डिस्क्लोजर करने के लिए दो कैटेगरीज सेट की गई हैं. कैटेगरी नंबर वन, अगर रिलेशनशिप पेरेंट सब्सिडरी वाला है, तो डिस्क्लोजर होगा ही होगा,
फिर चाहे पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुआ है चाहे नहीं हुआ है। देखिए मेरी बात को समझिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंड एएस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। हमारे एएस का नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर नहीं है, हमारे इंड एएस का नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इसका मतलब यह हुआ कि आपको रिलेटेड पार्टीज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, चाहे आपने ट्रांजैक्शंस उन पार्टीज के साथ किया चाहे नहीं किया, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर वन, अगर आपका रिलेशन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आप रिपोर्टिंग एंटिटी हो और आपका रिलेशनशिप सब्सिडरी के साथ है, मतलब आपकी कोई सब्सिडरी है तो आप रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, या फिर आपकी कोई पेरेंट है तो आप रिलेटेड पार्टी हो जाओगे, या फिर आपकी कोई फेलो सब्सिडरी है तो भी आप रिलेटेड पार्टी हो जाओगे। अगर इन कारणों से हुआ है तो ये आ जाएगा कैटेगरी वन में, और कैटेगरी वन कहती है कि ये मैंडेटरी है डिस्क्लोजर देना, चाहे ट्रांजैक्शंस पेरेंट सब्सिडरी के बीच में ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, बट आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की रिपोर्ट बनाना जरूरी है। Whether or not the transaction has been occurred or made between the related party parties with in the during the year or not, ठीक है। So category number one कहता है कि आपको related party disclosure देना ही पड़ेगा। Sir क्या देंगे, transaction तो हुआ ही नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी parent company कौन सी है, या फिर आपकी subsidiary कौन सी है, या फिर आपकी fellow subsidiary कौन सी है, nature of relationship क्या है। Transaction तो हुआ नहीं है, ठीक है, पर आपको इतनी बातें तो बतानी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, भले उसमें रिपोर्ट में खाली खाली अमाउंट कुछ भी नहीं जाएगा, बट आपको रिपोर्ट तो देनी पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन हुआ है तो फिर ठीक है। और दूसरी कैटेगरी अगर रिलेशनशिप पहली कैटेगरी की रिलेशनशिप के अलावा है, मतलब एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर केएमपी एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, तो आप रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर तभी दोगे अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर किए हैं उस रिलेटेड पार्टी के साथ। अगर आपने उस रिलेटेड पार्टी के साथ ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने जब कोई ट्रांजैक्शन किया था और दैट टाइम आपकी वो रिलेटेड पार्टी थी, बाद में भले वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक कंपनी को एसोसिएट बना लिया एक महीने के लिए और मैंने कुछ को ट्रांजेक्शन कर लिए, फिर वापस से मैंने एसोसिएट अब स्टेटस नहीं रहा, तो ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ एक महीने के लिए एसोसिएट थी, उस टाइम पे मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया उसके साथ। तो आपने अगर ट्रांजेक्शन किए हैं ड्यूरिंग द ईयर बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिलेशनशिप था, भले ईयर एंड पे आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है रिलेटेड पार्टी का, तो भी आपको वो ट्रांजेक्शन शो करना पड़ेगा। और यहां पर क्या बोला गया कैटेगरी टू में कि आपके ट्रांजेक्शंस होंगे तो ही शो करोगे, अदरवाइज शो करने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा एक बार देख लेते हैं। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी वन रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप इवन दो देयर आर नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस बिटवीन द डिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के बीच में चाहे तो ट्रांजेक्शन नहीं भी हुए हैं तो भी आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। और कैटेगरी टू रिक्वायर्स डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड आइटम्स ओनली व्हेन देयर आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो आपको डिस्क्लोजर करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। कैटेगरी नंबर वन पढ़ लेते हैं। Disclosure, category number one, the following disclosures of relationships if exist must be made irrespective of the fact whether there has been any related party transactions by the entity. चाहे transaction है चाहे नहीं है, आपको ये सारे disclosures देने पड़ेंगे। कौन सा? Under this, an entity is required to disclose the name of its parent and if different, the ultimate controlling party. It may be noted that the ultimate controlling party may be a person also. Also, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। अब आप समझ गए होंगे ये पॉइंट का रेलेवेंस इतना कह रहा है कि चाहे ट्रांजैक्शन है चाहे ट्रांजैक्शन नहीं है, बस आपको ये डिस्क्लोजर देना है कि आपका पेरेंट कौन सा है या फिर आपका अल्टीमेट पेरेंट कौन सा है। अगर आप किसी के सब्सिडरी और वो कंपनी भी किसी और की सब्सिडरी है तो आपका अल्टीमेट पेरेंट कौन सा है। और ये भी हो सकता है कि अल्टीमेट पेरेंट कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन के पास 51% शेयर रखे, वो पेरेंट बन गया। तो आप मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर कोई पेरेंट एंटिटी है या फिर अल्टीमेट पेरेंट कोई और है तो आप उस रिपोर्टिंग एंटिटी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, चाहे उस रिपोर्टिंग एंटिटी का ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी हुआ है उस रिपोर्टिंग एंटिटी उस पेरेंट एंटिटी के साथ,
तो भी उसको बताना पड़ेगा कि उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है और उसकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी कौन सी है, क्योंकि उनके साथ तो उसका रिलेशनशिप है, चाहे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर है चाहे नहीं है। ठीक है सर, एग्जाम्पल पढ़ लेते। S4 Limited reporting entity is a subsidiary of S3 Limited. S4 is a subsidiary of S3. S3 Limited is a subsidiary of S2. S2 Limited is a subsidiary of S1. S1 Limited is a subsidiary of H. S4 Limited must disclose the time and relationship with S3 and H Limited. Sir, क्या बोला ये? H की subsidiary, S1, S1 की subsidiary, S2, S2 की subsidiary, S3, S4 की, S3 की subsidiary. S4 और S4 जो है वो है रिपोर्टिंग एंटिटी। वो क्या बताएगी? वो चाहे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, S4 को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर कैटेगरी वन में तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए भाई। कैटेगरी वन में क्या S4 का रिलेशनशिप S3 के साथ और S4 का रिलेशनशिप H के साथ, बीच को नहीं। S4, S3, S4, S3 और S4, H, ठीक है? आगे, if neither the entity's parent nor the ultimate controlling party produces consolidated financial statements available for public use, the name of the next most senior parent that does so shall also be disclosed. ये कह रहा है, अगर neither the entity's parent nor the ultimate controlling party produces consolidated financial statements available for public use, the name of the next most senior parent. अगर आपका कोई parent या फिर आपकी कोई ultimate controlling party consolidated financial statements produce नहीं कर रही है, ठीक है ना, but आपके कोई क्या बोलते हैं, जो senior parent है आपका, जैसे मान लीजिए ये consolidated financial statements produce नहीं कर रहा, ये भी consolidated financial statements produce नहीं कर रहा, but S2 कर रहा है तो आपको S2 का भी बताना पड़ेगा, या फिर S1 कर रहा है तो आपको S1 का भी बताना पड़ेगा। बट यहां पर अगर ये कर रहा है, आपका consolidation बना रहा है, या फिर ये consolidation बना रहा है, तो इसके बारे में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? ठीक है सर, बेटा एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन कैटेगरी नंबर टू में। कैटेगरी नंबर टू क्या कहती है? कैटेगरी नंबर टू कहती है कि मतलब पेरेंट सब्सिडरी के अलावा जो भी चीजें हुई। अंडर दिस कैटेगरी टू टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट रिक्वायर्स अ डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द कॉम्पनसेशन टू की मैनेजमेंट पर्सनल। ये स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली की मैनेजमेंट पर्सनल को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है और उसके बारे में बताया गया कि आपने अपने की मैनेजमेंट पर्सनल को क्या क्या दिया है, कितना कितना वैल्यू दिया है, वो सब डिस्क्लोज करो। इतना एम्फेसाइज AS 18 में नहीं किया गया जितना एम्फेसाइज यहां पर किया गया है। सो द फर्स्ट रिक्वायर्स डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द कॉम्पनसेशन टू की मैनेजमेंट पर्सनल। द सेकंड रिक्वायर्स अदर डिस्क्लोजर व्हेन देयर हैव बीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। पहला की मैनेजमेंट पर्सनल, एंड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द टोटल कॉम्पनसेशन टू की मैनेजमेंट पर्सनल। मतलब आपने उसको क्या क्या रेम्युनरेशन दिया, क्या सेटिंग फीस दी वगैरह वगैरह, क्या क्या पेमेंट किया, आप वो बताओगे। दूसरा, कॉम्पनसेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। आपने उसको शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स कितने दिए, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कितने दिए, आपने अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कितने, अरे कुल मिला के इंडियस 19 में जितने भी बेनिफिट्स आते हैं ना, आपने जो जो अपने बेनिफिट्स आपने केएमपी को दिए वो सारे के सारे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। केएमपी के रिगार्डिंग कैटेगरी टू को भी दो हिस्सों में बांटा गया है कि केएमपी केएमपी के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर कौन सा होगा और नॉर्मल डिस्क्लोजर कौन से होंगे अगर ट्रांजेक्शन होंगे तो KMP को आपने टोटल कॉम्पनसेशन कितना कितना दिया, कौन कौन से बेनिफिट्स में दिए। इफ एन एंटिटी ऑब्टेन्स की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज फ्रॉम अदर एंटिटीज, द एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन पेड पेबल बाय द मैनेजमेंट एंटिटी टू द मैनेजमेंट एंटिटीज इंप्लॉइज और डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली मतलब अगर हमें कोई दूसरी एंटिटी की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दे रही है तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी हो जाती है, हमने पढ़ा था। तो ऐसे केस में उस कंपनी के डायरेक्टर्स को इंप्लॉइज को कितना पे किया गया ये हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर्स व्हेन देयर हैव बीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या डिस्क्लोजर हैं बेटा? बिल्कुल ही बेसिक डिस्क्लोजर हैं कि नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, एक सिंपली शॉर्ट में याद रख लीजिएगा। बहुत सारी लिस्ट है, मैं आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूं। सबसे बड़े नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप विद द रिलेटेड पार्टी, नेम नेचर ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या है, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेल हुआ है, परचेज हुआ है, लोन दिया है, लोन लिया है वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम कितना है इनवॉल्व, कितने वॉल्यूम का हुआ है रुपी वैल्यू में, ठीक है, चार। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, पांच। छठा पॉइंट, आपका कोई बैड डेट तो नहीं हुआ उससे, मतलब आपके कोई रिकवरी ऐसा हो गई होगी जो बैड हो गई होगी, या फिर आपने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो नहीं बनाया, वो सब। ये मोटा मोटा आइटम है, ठीक है।
तो जो को देखो पहला ए नंबर क्या बोल रहा था, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। बी नंबर क्या बोल रहा था, इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड कमिटमेंट्स। फिर आपको डिस्क्लोजर करना है कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितने हैं। फिर प्रोविजंस अगर आपने कोई डाउटफुल डेट्स के बनाए हो तो, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आपने बैड डेट्स अगर कुछ किए हो तो, अमाउंट इनकर्ड बाय द एंटिटी फॉर प्रोविजन ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय अ सेपरेट मैनेजमेंट एंटिटी। आपने अगर आपको किसी दूसरी एंटिटी ने की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विस दी है तो आपने कितना अमाउंट प्रोवाइड फॉर किया उसको पे करने के लिए, ठीक है। द अफोरसेड डिस्क्लोजर शैल बी मेड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, मतलब आपको ये पेरेंट के लिए अलग कैटेगरी में देना पड़ेगा, एंटिटीज विद ज्वाइंट कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट और एसोसिएट के बारे में अलग बताना पड़ेगा कि एसोसिएट को आपने कितना कितना कब कब पे किया, कितना आउटस्टैंडिंग, कितना वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब एक तरीके से ना ऐसा एक डिस्क्लोजर बनेगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है एक रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, कैसे आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आएगा पेरेंट, यहां आएगा सब्सिडरीज, हो सकता है सब्सिडरी 1, 2, 3, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, केएमपी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां आएगा ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं, ये ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे, हाँ ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आएगा परचेजेस, सेल्स, लोन्स टेकन, एडवांसेस गिवन, उसके बाद बैंक गारंटीज प्रोवाइडेड, ऐसे करके, तो हर ऐसा बनता जाएगा, ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आएगा, ठीक है बेटा। तो आपको एसोसिएट का अलग, ज्वाइंट वेंचर का अलग, को ज्वाइंट वेंचरर्स का अलग, की मैनेजमेंट पर्सनल का अलग, और अदर रिलेटेड पार्टी एक साइड में बना लोगे, अदर रिलेटेड पार्टी इसका अलग। सो इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक, क्लियर बेटा। गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज कौन सी होती हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो 60% शेयर लेके बैठी हो, गवर्नमेंट उसमें 60% शेयर होगी या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, ऐसी होती हैं गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज। आपको दिख रहा होगा अगले पेज पर एग्जेम्पशन टू द गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज, क्या एग्जेम्पशन दी गई है, रिपोर्टिंग एंटिटी इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू वन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड कमिटमेंट्स। आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज है गवर्नमेंट के साथ जो चल रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज, ये आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कमिटमेंट्स विद द गवर्नमेंट दैट हैज अ कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। एक रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग एंटिटी है वो गवर्नमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी है वो, गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो इसने कितने ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के साथ किए हैं, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी बेटा, सरकारी काम सरकारी चीज में डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। एंड अनदर एंटिटी दैट इज रिलेटेड बिकॉज द सेम गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल वगैरह वगैरह, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल मैंने जो नीचे अपन ने किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया, उसके बाद 5 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, पार्शियल एग्जेम्पशन फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज, गवर्नमेंट जी डायरेक्टली कंट्रोल्स एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2, इट इनडायरेक्टली कंट्रोल्स एंटिटी ए एंड एंटिटी बी थ्रू एंटिटी 1 एंड, ठीक है ना, थ्रू एंटिटी 1 एंड एंटिटी सी एंड एंटिटी डी थ्रू एंटिटी 2। अरे बॉय परे, पर्सन एक्स इज अ मेंबर ऑफ अ की मैनेजमेंट पर्सनल इन एंटिटी 1, माय गॉड बहुत सारी चीजें बता दी,
जी डायरेक्टली कंट्रोल्स एंटिटी 1-2, गवर्नमेंट E1, E2, कंट्रोल। फिर इट इनडायरेक्टली कंट्रोल्स एंटिटी ए एंड बी थ्रू एंटिटी 1, एंटिटी ए एंटिटी बी कंट्रोल, एंटिटी सी एंटिटी डी कंट्रोल। ठीक है। मतलब ये पेरेंट हो गया, बेसिकली ये सारे सब्सिडियरीज हो गई, तो ये पूरा ग्रुप बन गया। ठीक है, पर्सन एक्स इज अ मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल इन एंटिटी वन। एंटिटी वन में एक केएमपी बैठा है, कौन? मिस्टर एक्स। केएमपी के रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पर अगर गवर्नमेंट ने E1 के साथ, E1 ने E2 के साथ, E1 ने EB के साथ, EA के साथ, E1 ने गवर्नमेंट के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, वो आप नहीं बताओगे। इवन इनडायरेक्टली अगर उन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुए, आप नहीं बताओगे। क्या पूछ रहा है? द एग्जामाइन द एंटिटी टू हुम द एग्जम्पशन फॉर डिस्क्लोजर टू बी गिवन एंड फॉर द ट्रांजेक्शन विद हुम। सारे ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग की मैनेजमेंट पर्सनल। की मैनेजमेंट पर्सनल को दी गई रेमुनरेशन कॉम्पनसेशन सब डिस्क्लोज होगी। पढ़ते हैं, फॉर एंटिटी ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द एग्जम्पशन ऑफ इंडियस 24 अप्लाइज टू ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट जी एंड ट्रांजेक्शन विद एंटिटी 1 and 2 एंड एंटिटी बी सी डी। हाउएवर दैट एग्जम्पशन डज नॉट अप्लाई टू ट्रांजेक्शन विद पर्सन एक्स। मैंने आपको बोला था कि मतलब अब E1 हो या E2 हो, E1 अगर रिपोर्टिंग एंटिटी है तो उसने कोई भी ट्रांजेक्शन अगर जी के साथ किया है, EA, EB, EC, ED, E2 के साथ किया है, कुछ भी नहीं देना है। हाँ, पर अगर उसने अपने एक्स को, मिस्टर एक्स को, केएमपी को जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो उसको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो गाइस, बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक बार निपटा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप अच्छे से निपटा लीजिएगा और पूरी तरीके से आप अपन अपने इंडेस 24 को कंप्लीट कर चुके हैं। इंडेस 24 में अगर आप मुझसे पूछो तो आप टोटल मिला के इंडेस 24 को दो हिस्सों में बांट सकते हो। पहला, सबसे पहले तो रिलेशनशिप को डिफाइन करना। आपको ध्यान, आपको समझ में आ गया होगा हमारे इतने जितने आवर्स की क्लास हुई है कि मैंने मैक्सिमम टाइम, मैंने लगभग शायद 70% 75% टाइम मैंने इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप को समझाने में। तो वो चीज बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अदर सेकंड पार्ट है वो आपका ये है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स कैसे होने चाहिए। तो हमने दो कैटेगरीज देखी। पहली कैटेगरी, जहां पर आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका पेरेंट कौन सा है या फिर आपका अल्टीमेट पेरेंट कौन सा है। ठीक है ना, उसके बाद अगर आपका अल्टीमेट पेरेंट या पेरेंट जो है वो अगर कंसोलिडेशन नहीं करता तो आप मोस्ट सीनियर पेरेंट का भी बताओगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अगर ट्रांजेक्शन होंगे तो बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने दो कैटेगरी देखी थी कि अगर की मैनेजमेंट पर्सनल है तो उसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे और अदर एंटिटीज के रिगार्डिंग आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, अमाउंट इन्वॉल्व्ड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कमिटमेंट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब। और की मैनेजमेंट पर्सनल सर्विसेज अगर हमने पे की है तो उसका प्रोविजन, बस दैट्स इट। ये आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज को एग्जम्पशन है, हमने ये देख लिया था। इसके बाद की मैनेजमेंट पर्सनल, अगर गवर्नमेंट में भी कोई की मैनेजमेंट पर्सन बैठा है उसको भी अगर कुछ गया है तो उसके लिए एग्जम्पशन नहीं है। फिर हमने देखा था कि कौन से ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कौन से रिलेशनशिप अलग से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप होंगे, तो वो इंडियस 19 वाले, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान वाले, हमने देखे थे कि वो रिलेशनशिप होंगे, स्पेशली उसको माना जाएगा। कौन कौन से नहीं होंगे? आपके लोन प्रोवाइडर्स, ट्रेड यूनियन, सप्लायर्स वगैरह, कस्टमर्स वगैरह, ये सब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने पूरे स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर लिया है। स्टैंडर्ड को आप 4-5 बार, अगर हो सके, नहीं हो सके तो कम से कम आप 2-3 बार इसको रिव्यू करिए, गो थ्रू करिए, क्योंकि ना इतना जल्दी रिलेशनशिप्स को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आप बार बार उसके रिगार्डिंग आप पढ़ते रहोगे, आप चार्ट बना के समझते रहोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो गाइस, मैं यहीं पर अपना लेक्चर ओवर कर रहा हूं। आज का लेक्चर हमने क्या क्या किया? आज के लेक्चर में हमने बात की इंड एएस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स की, जिसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है और अकॉर्डिंगली आप अब आराम से इसको पढ़ने के हिसाब से आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।